रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड्स ए बी आर टेकन लैम्बडा एंड लैम्बडा बी, मतलब उनका रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट डी है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द टू सैंपल्स कैन साइमल्टेनियसली हैव सेम डीके रेट. ओके, तो अगर समझो उन्होंने क्या बोला है, इनिशियल डीके के बारे में बात किया है. इनिशियल डीके मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है उसके रिलेटेड. सो इनिशियल ऑप्शन ए अगर पढ़ोगे, इन ऑप्शन ए दे आर सेइंग कि इनिशियल डीके ऑफ ए इज ग्रेटर देन डीके ऑफ बी. ओके, तो ये ऐसा उन्होंने बोला है. तो बाय दिस पर्टिकुलर लॉजिक यू कुड से कि ए ए का जो डीके हो रहा है वो फास्ट हो रहा है कंपेयर टू बी का डीके. बट एट द सेम टाइम वो बोल रहे हैं कि लैमडा ए विच इज इक्वल्स टू लैमडा बी विच इज नॉट ट्रू. मतलब दोनों के दोनों मैच नहीं हो रहे, क्योंकि लैमडा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लैमडा इज नथिंग बट यूर डीके कॉन्स्टेंट, कि कितने डिसइंटीग्रेशन हो रहे पर सेकेंड में वो बता रहा है. तो ये स्टेटमेंट कोई सेंस नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि डीके ए इज ग्रेटर देन डीके बी समथिंग लाइक दैट. ओके, फिर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने बोला है ऑप्शन बी, उसमें बोला है कि इनिशियल रेट ऑफ डीके ए, तो जो भी डीके ऑफ ए है, इट इज ट्वाइस दैट ऑफ इनिशियल रेट ऑफ डीके ऑफ बी. बोलने का पॉइंट ये है कि ए का जो डीके है वो बी से ज्यादा है, एंड दैट इज दैट कैन ऑल्सो बी सीन बाय द स्टेटमेंट दैट दे हैव सीन सेड दैट लैम्बडा ए इज इक्वल्स टू लैम्बडा बी. मतलब दोनों की दोनों चीजें ऑप्शन में जो बताई हुई है वो सेम चीज की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं. जैसे ऑप्शन ए में नोटिस किया दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स, बट वॉट अबाउट ऑप्शन बी, दीज टू आर सेम थिंग्स. सो बाय दैट पर्टिकुलर लॉजिक ये स्टेटमेंट मोर सेंस करता है. अभी क्या ए एंड बी सेम डीके कर पाएंगे, आई कैन नॉट कंक्लूड दैट बिकॉज क्वेश्चन प्रॉपरली स्टेट नहीं कर रहा है, या फिर क्वेश्चन में समवेयर दे हैव नॉट गिवन प्रॉपर डेटा. तो मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ऑप्शन देख के बी ऑप्शन मोर सेंस करता है, क्योंकि दोनों जो चीजें बोली है वो मैच कर रही है. इन ऑल अदर ऑप्शन दोनों चीजें मैच नहीं कर रही है. सो द मोस्ट सुटेबल वन आई कुड थिंक ऑफ इज ऑप्शन बी जो उन्होंने दिया है, इनिशियल रेट ऑफ बी वाला. देन नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव गिवन, अच्छा ऑप्शन आगे दिए क्या तूने, ठीक है. तो हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम अंडर गोइंग अल्फा डीके, ओके, इज 4.5 × 10⁹. तो टी हाफ इज 4.5 × 10⁹ एंड यूरेनियम है तो यू 238 92 है. अल्फा डीके हो रहा है, दैट मीन्स इसमें से क्या इमिट होने वाला है, अल्फा इमिट होने वाला है. एंड वॉट डू दे वॉन्ट मी टू फाइंड आउट, एक्टिविटी. अच्छा बहुत सारे लोगों को एक्टिविटी वर्ड का मतलब नहीं समझता. एक्टिविटी इनडायरेक्टली इज डी एन बाय डी टी ओनली, दैट इज रेट ऑफ यू कुड से रेट ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, मैं नाम भूल गया, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन. यस यस दैट्स व्हाट. तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन आपको यहाँ पे बोला गया है. तो अभी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, बराबर. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारे पास टी हाफ का एक फॉर्मूला है, वो मेरे दिमाग में आता है, एंड वो 0.693 वाला, क्योंकि उसके मदद से हम लोग डीके कैलकुलेट कर सकते हैं. देखो कैसे बिगिन करना है क्वेश्चन को. एक्टिविटी या फिर dn by dt का फॉर्मूला डियर ये होता है. तो एक्टिविटी या फिर dn by dt इज इक्वल्स टू लैम्बडा टाइम्स n. n क्या होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट राइट नाउ, एंड लैम्बडा क्या होता है, डीके कॉन्स्टेंट. हाउ टू कैलकुलेट डीके कॉन्स्टेंट, तो t हाफ और dk का एक रिलेशन है, दैट इज 0.693 अपॉन लैम्बडा. तो यहाँ से लैम्बडा हो जाएगा 0.693 अपॉन t हाफ. ओके, तो यूनिट्स पुट करेंगे यहाँ पे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. अच्छा हाफ लाइफ कितने, कौन से यूनिट में दिया है अपने को, हाफ लाइफ इज गिवन एज इयर्स ना, तो इयर्स को आपको पहले सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये आपको जो यूनिट चाहिए वो यूनिट मैच हो जाएगा. क्योंकि उन्होंने ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में उन्होंने डीके रेट क्या दिए, बेरिकवेल में दिए. बेरिकवेल मतलब डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड. मैं बताता हूँ बेरिकवेल में कैसे कन्वर्ट करना है वो, बट बिफोर दैट, बिफोर वी बिगिन, अपने को टाइम को कन्वर्ट करना है. तो कैसे कन्वर्ट करोगे गाइस, सो 4.5 × 10⁻⁹ ये पर ईयर है. ओके, एक शॉर्टकट मेथड है इसको कन्वर्ट करने का, और एक लॉन्ग कट मेथड है. शॉर्टकट लॉन्ग कट मेथड ये है कि आपको एक्चुअली पर ईयर है ना, तो डिवाइड करना पड़ेगा इसको, नहीं डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एक ईयर में कितने आवर्स होते हैं वगैरह वगैरह वो सब से, 365 × 24 × 24 आवर्स हो गए, फिर उसके बाद 60 × 60. तो ये इतना बड़ा फैक्टर्स लेके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा.
उससे बेटर मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ. आपको पाई का वैल्यू तो याद है विच इज 3.14, सो 3.14 के जगह 3.15 याद करो और 3.15 इंटू 10^7 से मल्टीप्लाई करो. दिस इज द शॉर्टकट. मतलब अगर आपको समझ लो पर ईयर के टर्म्स में डेटा दिया है और आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो पाई का वैल्यू 3.15 वो ले लो इंटू 10^7 करो. सो यू विल गेट द फाइनल आंसर. आई डोंट नो कितना आएगा बट आएगा. तो वो आप यहाँ पे पुट करोगे टी हाफ, इधर से आपको लैम्बडा मिलेगा. बराबर लैम्बडा मिल गया. प्रॉब्लम है एन कैसे निकालोगे. तो एन निकालने के लिए देखो लैम्बडा डन हो गया. अभी एन के बारे में सोचेंगे. मैं मेथड मेरा सेम रख रहा हूँ. मैं पहले फाइनल फॉर्मूला लिखता हूँ फिर मैं वर्कआउट करता हूँ. जैसे मैं लैम्बडा के लिए सोचा फिर अभी एन के बारे में सोचते हैं. इफ यू रिमेम्बर द फॉर्मूला फॉर एन विल बी लाइक दिस, एन अपॉन एन ए इक्वल्स टू एम अपॉन एम ओ. ये कैसे होता है, एन अपॉन एन ए एम अपॉन एम ओ दोनों नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है. सो एन विल बी एम टाइम्स एन ए अपॉन एम ओ. तो आपको ये सारी चीजें मिल गई. आपको अभी डेटा दिया होगा, देखो एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ सैंपल, मतलब एम का वैल्यू 1 हो जाएगा, एन ए का वैल्यू 6.023 इंटू 10^23. एंड वॉट अबाउट मोलार मास रे, तो आपको यूरेनियम 238 दिया है ना, तो वो 238 आपका यहाँ पे आ जाएगा. वन मोर थिंग, फोकट में केजी में कन्वर्ट करने की कोशिश मत करना. ये जो भी आपको रिटर्न है वो ग्राम में ही है. सो यहाँ से आपको कैपिटल एन मिल गया. ओके तो कैपिटल एन भी डन हो गया. पुट करो आपको ए मिलेगा. क्लियर हुआ ये आचल? यस सर. बट इसको सॉल्व करने के बाद जो तुझे आंसर मिलेगा वो मिलेगा डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड में. ओके एंड तुझे आंसर जो पूछा है वो बेक्वेरेल में पूछा है. कैन एनीबॉडी टेल मी 1 बेक्वेरेल इज हाउ मच डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड? 2-3 यूनिट है बराबर, एक रदरफोर्ड है. आप बोलो बेक्वेरेल बताओ. कौन बताना चाहता है? शीतल? 1 ही होता है ना सर? वन बेक्वेरल इज एक्चुअली 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड. एक्चुअली 10 होता है मे बी, 0.5. आई विल कंफर्म इट. सर क्यूरी भी हो सकता है ना? हाँ क्यूरी भी हो सकता है. बेक्वेरल इज इक्वल्स टू, हाँ 1 बेक्वेरल 1 ही होता है. सॉरी बराबर है, 1 बेक्वेरल 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड. 1 क्यूरी अगर हुआ तो दैट इज 3.7 इंटू 10^10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड. ओके तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद रखनी है. तो अभी जो आपका आंसर आएगा ना वो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड में होगा विच इज नथिंग बट बेक्वेरल ओनली. तो आपको मिल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आचल का. एट अ गिवन इंस्टेंट देयर आर 25% अनडिकेड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इन अ सैंपल. आफ्टर 10 सेकेंड द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई रिड्यूसेस टू 12.5%. द मीन लाइफ ऑफ द न्यूक्लियाई इज. ओके let us try to work this particular thing out. Okay, let's begin. So, ये question में क्या करना है आपको, एक simple सा formula use करना है. कितने से कितना कम हो रहा है, basically 10 second में आपको बोला है ना time. 10 second. So, एक बात तो पक्की है कि आपका जो 25% से 12.5% हो रहा है वो 10 सेकेंड में हो रहा है. अच्छा गाइज आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है 25 और 12.5 में, इज देयर रिलेशन बिटवीन दिस टू? देख के क्या लगता है? हाफ लाइफ. वेरी गुड, एक्सलेंट. हाफ हो रहा है सो दैट मीन्स अगर ये समझो हाफ हो रहा है तो हाफ लाइफ इन्वॉल्व है. तो दैट मीन्स ये जो आपका टाइम दिया है वो नॉर्मल टाइम नहीं है, इट इज एक्चुअली टी हाफ. तो टी हाफ आपको दिया है. This is the hint. And अभी question देखो, 1 मिनट में सॉल्व होता है. आपको मीन लाइफ निकालना है. मीन लाइफ मतलब tau is actually 1/lambda होता है. और अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला बोल रही है तू, t half और इसका वो लिखू मैं? डायरेक्ट एक फॉर्मूला है 1.44 times something. याद है आपको? नहीं तो पता था मैं. tau is 44 times t half, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है. और दूसरा वे अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप पहले t half यूज करके लैम्बडा फाइंड आउट करो, बिकॉज 0.693 लैम्बडा. यहाँ से आपको लैम्बडा मिलेगा. एक बार लैम्बडा मिला तो tau इज रेसिप्रोकल ऑफ लैम्बडा. हो गया सॉल्व? मतलब ऐसे कर सकते हो. तो ये सम थोड़ा इजी था, जस्ट एक कंसेप्ट समझना था आपको. 25 और देख क्वेश्चन में क्या बोला है कि 25% 12.5% में कन्वर्ट हो रहा है. दैट मींस जो मेरा टोटल सब्सटेंस था उसका हाफ हो रहा है. तो यहाँ पे हाफ लाइफ इन्वॉल्व है.
half life is the life taken by the substance to reduce it to half of its size. तो ये जो 10 सेकंड दिया है वो हाफ लाइफ है. आपको एवरेज लाइफ मतलब टाउ पूछा है ओवरऑल साइकिल का. तो टाउ होता है 1.44 टाइम्स टी हाफ. तो 1.44 इनटू 10 करेगी तू तो तुझे आंसर समवेयर 40 नहीं आएगा क्योंकि वही ग्रेटर है 10 से ज्यादा प्रॉपरली. तो बी इज द करेक्ट आंसर. समझा मैं क्या बोल रहा हूँ शीतल? हाँ सर समझा. Okay, let's move on to the next question. A freshly prepared radioactive source of half-life 2 hour emits radiation of intensity which is 64 times permissible safe level. What is permissible safe level? It is a certain level up to which aap radiation absorb kar sakte, there is no issue with that. But if it goes beyond that, then boy, you have some issue. How many of you know that banana itself is a radioactive element? Ya fir banana is radioactive in nature. How many of you know? पता था आपको पहले? नहीं सर. तो आप जो घर में बनाना कैरी करते हो ना वो रेडियोएक्टिव है नेचर में बिकॉज उसमें पोटेशियम का आइसोटोप है एंड पोटेशियम का आइसोटोप इटसेल्फ इज अ रेडियोएक्टिव. सर देन हाउ हाउ मतलब करते हो हम बनाना लाना ही भूल जाएंगे घर पे लाएंगे ही नहीं सर रिस्क क्यों लेना. अरे बट द रेडियोएक्टिविटी दैट दोस बनाना एमिट ना एक्चुअली इज नॉट दैट हाई. और अगर कंटिन्यूअसली आप एकदम एक लार्ज क्वांटिटी में बनानास ला रहे हो एकदम भर भर के ट्रक टेम्पो उससे भी ज्यादा देन मे बी समवेयर उसका रेडियो एक्टिविटी मैटर करने जितना हो जाएगा बट अदरवाइज इट विल नॉट. अच्छा ये जो सम है ना यहाँ पे मुझे आपको एक फॉर्मूला सिखाना है और वो फॉर्मूला बहुत जगह पे आपको काम आएगा. पहली बात तो डेटा लिख लेता हूँ मैं. टी हाफ दिया है आपको 2 आवर्स ओके. फिर क्या बोल रहे हैं इंटेंसिटी विच इज 64 टाइम्स परमिसेबल सेफ लेवल. By that logic, वो क्या कहना चाहते हैं पता है क्या कि जो एक मिनट रुको freshly prepared radioactive source of half life 2 hour emits radiation of intensity which is 64 times the permissible safe level, the minimum time मतलब t निकालना है ओके after which will be possible to work safely which source is how much but then just give me a time I need to think about it. Like मेरे को मेरे formula भी याद है but somewhere I am missing it out. Something I am missing it out. Okay. ठीक है चलो try करते हैं. उन्होंने क्या बोला है कि 64 times permissible level है. That means you could say that जो आप जो भी आपका ए नॉट होगा या फिर लेट से ए नॉट मतलब क्या होता है हाईएस्ट एक्टिविटी ये दिया है आपको 64 टाइम्स करंट एक्टिविटी ओके. तो ये एक डेटा आपको जस्ट याद रखना है. अभी फॉर्मूला बताता हूँ कौन सा यूज करने वाले हो. द फॉर्मूला दैट यू आर गोइंग टू यूज राइट नाउ विल बी ए इक्वल्स टू ए नॉट देन उसके बाद हाफ रेस टू एन. ये फॉर्मूला देखा है आपने. मैंने आपको शायद सीईटी के लेक्चर्स में बताया था a upon a naught equals to half raised to n या फिर n upon n naught equals to half raised to n. Have you seen this formula? Yes sir. Yes sir. And not only that small n क्या होता है पता है आपका it is p upon capital T. तो अगर आप समझो small n निकाल पाओगे ना यहाँ से तो आपका डेटा खत्म हो जाएगा. अभी देखो दो मिनट में सम सॉल्व होता है. a का वैल्यू a है a naught का वैल्यू 64 टाइम्स a है equals to half times n. n का वैल्यू पता नहीं वो निकाल देते हैं हम लोग. सो दिस बिकम्स 1/64 बट 64 इज एक्चुअली 2^6 एंड दिस विल बी 2^n. इफ यू कंपेयर n का वैल्यू 6 आएगा. बाय दैट लॉजिक लेट्स यूज 6 इक्वल्स टू स्मॉल t अपॉन t हाफ दैट इज 2. सो t हो जाएगा 12 आवर्स. हो गया सॉल्व. डाउट है तो पूछना मेरे को मतलब अगर आपको नहीं समझा तो. सर 64 एक्टिविटी कैसे हुआ इंटेंसिटी?
हाँ इंटेंसिटी एंड एक्टिविटी आर रिलेटेड टू ईच अदर, दैट इज वाई. मतलब लाइक अगर, अरे देख, जितना वो ज्यादा एक्टिव रहेगा उतना वो ज्यादा इंटेंसिटी छोड़ेगा. अभी पता है तेरे को, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ वी कंपेयर यूरेनियम विद पोलोनियम, पोलोनियम इज मोर डेंजरस क्योंकि वो ज्यादा एक्टिव है. ज्यादा एक्टिव मतलब वो ज्यादा इंटेंसिटी एमिट करता है. गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग? अपने पास इंटेंसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, इवन इन एनसीईआरटी नोवेयर यू हैव इट. तो हमें इंटेंसिटी को रिलेट करना पड़ता है एक्टिविटी के साथ. गेटिंग इट? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन टिटानियम, नहीं ट्रिटियम का. हेतवी ने जब बनाना का एग्जांपल से ना वो तो डर गई. वो बोल रही थी सर कल ही मम्मी ने एक डजन केले लाए घर. हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ रह रहे हैं हम लोग सर. ओके चलो ये ट्रिटियम का क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं तुरंत. ट्रिटियम हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 12.5 ईयर अगेंस्ट. वो वाला क्वेश्चन नहीं, वो मैंने गलती से भेज दिया, उसके ऊपर वाला था, मैं भेजती हूँ. अरे ऐसा नहीं करने का रे बब्बा, ठीक है कोई बात नहीं, तब तक दूसरा कर. द हाफ लाइफ, ठीक है नेक्स्ट वाला करते हैं, 40 वाला. द हाफ लाइफ ऑफ स्ट्रोंटियम, ओके तो हाफ लाइफ ऑफ स्ट्रोंटियम इज 28 इयर्स. तो टी हाफ आपको प्रोवाइडेड है 28 इयर्स करके. यूनिट बेक्वेरियल है, आपको पता है क्या करना है. यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 3.15 × 10⁻¹. डन. द डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ 15 mg ऑफ दिस आइसोटोप. डिसइंटीग्रेशन रेट मतलब आपको dN/dt या फिर एक्टिविटी फाइंड आउट करना है. और 15 मिलीग्राम सैंपल मतलब आपको मास दिया है. अरे यार 15 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, 15 × 10⁻³ ग्राम. अभी आपको पता है कि आपको क्या करना है, बराबर ना? अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ. आपको dN/dt निकालना है. dN/dt होता है लैम्डा टाइम्स एन. लैम्डा आपको पता नहीं बट इट इज 0.693/t½. अल्सो एन का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो एन का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको वो वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. Like n/NA = m/MO. So n will be m/MO × NA. अभी देख m क्या है यहाँ पे, मास तेरा 15 मिलीग्राम बट उसको मैंने ग्राम में जानबूझ के कन्वर्ट किया है. into NA 6.023 upon molar mass 90. तो ये हो गया तेरा n का वैल्यू. वो यहाँ पे पुट कर, you will get final answer. मतलब ये क्या किया आप इधर? किधर? कौन से वाले पे? ये राइट साइड अभी जो, हाँ. अरे वो तो एक और सब मैंने सॉल्व किया था. क्या किया मैंने? यहाँ पे एन है ना, एन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने अभी बचे हैं वो फाइंड आउट करना है. तो इसीलिए मैं नंबर ऑफ मोल्स वाला मेथड यूज करता हूँ. नंबर ऑफ मोल्स में n/NA m/MO दोनों फॉर्मूला वैलिड है. सो मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूँ और फिर मैं एन को एक तरफ रख के बाकी चीजों को पुट करता हूँ. तो अदरवाइज तो एन निकाल नहीं पाएगी ना. एन निकालने के लिए कुछ तो मेथड चाहिए. सो वी आर गोइंग टू यूज दिस. Next question. 42. The count rate of count rate from 100 centimeter cube of radioactive liquid is C. Some of this liquid is now discarded. The count rate of the remaining liquid is found to be C/10 after 3 half-lives. अच्छा 3 half-lives मतलब समझते हो, जो n है ना small n वो 3 दिया है. The volume of the remaining liquid, हे भगवान वॉल्यूम विल्यूम कहाँ से घुसा देते हैं ये लोग? स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होंगे तो कैसे होंगे? वॉल्यूम विल्यूम डाल दिया. ठीक है, ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. देखो मैंने नोटिस क्या किया पता है, रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन एक तो कैलकुलेशन में टफ होंगे, नहीं तो एक मिनट में खत्म हो जाएंगे. जैसे कि ये क्वेश्चन भी अगर देखोगे ना तो इट इज ऑल्सो ईजी, बट बहुत सारे लोगों को ये सॉल्व करने के लिए डिफिकल्ट जाएगा. आई टेल यू व्हाई. इनिशियल रेट कितना दिया है आपको? काउंट रेट 100 सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट? सो सी इज एक्चुअली 100 सेंटीमीटर क्यूब. तो अगर समझो हम लोग नहीं, वेट, काउंट रेट फ्रॉम 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ रेडियो एक्टिव लिक्विड इज सी, ओके. तो अगर समझो आप काउंट रेट कैलकुलेट कर रहे हो 100 सेंटीमीटर लिक्विड के लिए तो वो सी है. ओके नेक्स्ट.
सम ऑफ दिस लिक्विड इज नाउ डिस्कार्डेड, द काउंट रेट ऑफ द रिमेनिंग लिक्विड इज फाउंड टू बी सी बाई 10. अब इसमें से कुछ लिक्विड डिस्कार्ड कर दिया और अपने को नया वाला ये मिल गया काउंट रेट, दैट इज सी बाय 10. तो नए वाले लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा, ये क्वेश्चन है. बट अभी ये क्वेश्चन है ना, कैन वी सॉल्व इट यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बट अपने को सी नहीं पता और डायरेक्टली भी नहीं सॉल्व कर सकते. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस क्वेश्चन. वेट अ सेकंड, सी 100 सेंटीमीटर क्यूब, सी बाय 10 बीडी है, सी कैंसिल हो जाएगा ना सर. अरे मतलब तू क्रॉस मल्टीप्लाई बोल रही है ऐसा ना, मेरे दिमाग में भी वही आ रहा है, बट वो ओरली करने के बाद आंसर्स मैच नहीं हो रहा. देख देख, तो सी बाय 10 इंटू 100 करेगी, ये कैंसिल, तो वी विल बी इक्वल्स टू 10 टाइम्स सी. बट फिर सी क्या है, ये सवाल आता है, बराबर ना सर. दूसरा भी तो सी है ना, वी इंटू सी होगा और सी बाय 10 इंटू 100 होगा, तो वो सी और सी कैंसिल हो जाएगा ना. अरे हाँ, सी कैंसिल हो जाएगा, बट फिर वो 10 बचता है ना, 10 ऑप्शन में ही नहीं है ना बाबा. अच्छा, मेरे को लग रहा है ये जो हाफ लाइफ है ना, हम लोग उसको यूज नहीं कर रहे. सो व्हाट इफ वी यूज हाफ लाइफ ओवर हियर, द थ्री हाफ लाइफ्स है ना, द काउंट रेट ऑफ द रिमेनिंग लिक्विड इज 3. वो फॉर्मूला याद है अपना न्यू डिसइंटीग्रेशन का, number of new rate, old rate, then half raised to n, ऐसा कुछ. तो वो वाला try करके देखते work हो रहा है क्या. I am trying it for first time, I don't know. तो n का value अभी समझो, count rate जो है ना, उस count rate को हम लोग consider करते हैं old वाले को, new वाले को c by 10, okay? So this will be c by 10, and old वाले को consider करना है n not को c. Equals to 1 upon 2 raised to n, 3 half cycle. तो ये हो जाएगा 1/8, फिर ये हो जाएगा 1, ये 10 हो जाएगा 1, बट ये cancel हो रहा है ना सी, मेरे को cancel नहीं करना है सी. अगर सी cancel हो रहा है तो मेरा answer नहीं आ रहा है. Okay, wait a second, I'll refer to the online solution. It is given that the count rate from 100 centimeter cube of a radioactive liquid is C. Then count rate of C by 10 will be of volume 10 centimeter cube. As it is given that some of the liquid is discarded from the total volume, then let us assume that the volume of discarded liquid is X. Then if an amount X is withdrawn, the remaining amount will be 100 minus X. It is the given count rate of the remaining liquid found to be severed and after 3 half lives, that is the volume of the remaining liquid becomes 10 centimeter cube after 3 half lives. We also know that after each half life, liquid will be halved, then eventually become 10 centimeter cube. So therefore, equating this equation, कैसा कैसे सॉल्व किया पता है इन्होंने, दे हैव कंसिडर्ड कि इनिशियल जो आपका लिक्विड था, ओके, उसका वॉल्यूम था 100 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, फिर सम ऑफ द लिक्विड इज डिस्कार्डेड, मतलब उसमें से कुछ लिक्विड चला गया, तो ये एक्स हुआ डिस्कार्डेड लिक्विड, ओके. अभी व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर दिस पर्टिकुलर थिंग, the count rate of the remaining liquid is found to be c by 10 after kitne half lives, 3 half lives ke baad, okay. To samjho ye 100 centimeter cube tha, wo c by 10 hone wala hai, matlab samjho original agar samjho 100 hai to new wala kitna hona chahiye, c by 10 which is 100 by 10, that means it will become 10 centimeter cube. To ye tha aapka old one aur aapka new one hona chahiye 10 centimeter cube. Aise imagine karo aapke paas ek liquid tha, okay. इस पर्टिकुलर लिक्विड में से कुछ पोर्शन कट हो गया, ओके, लाइक ये एक्स वाला पोर्शन कट हो गया. टोटल लिक्विड कितने का था, 100 का था, उसमें से कट हो गया एक्स जितना. अभी इसके बाद ये हाफ लाइफ में जाएगा, 3 साइकिल, बराबर, मतलब इसका हाफ एक बार हो जाएगा, 1 हाफ साइकिल,
फिर उसके बाद एक और बार एक हाफ हो जाएगा, टू हाफ साइकिल, और उसके बाद एक और बार हाफ हो जाएगा. फॉर एवरी हाफ साइकिल डोंट यू एग्री कि इसका वॉल्यूम हाफ होता जाएगा? एग्री करते हो कि नहीं ओल्ड वैल्यू से? पॉइंट समझ रहे हो मेरा? तीन हाफ साइकिल बोला है ना, एन का वैल्यू तीन बोला है. सो दैट मीन्स जो ओल्ड वैल्यू था दिस वन इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू हाफ 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 थ्री टाइम्स. सो बाय दैट पर्टिकुलर लॉजिक जो आपका नया वाला वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा, मतलब दिस वन और एट वाला, देखो ये वाला है कितना आपका टोटल, दिस पर्टिकुलर वन इज 100 माइनस एक्स, और ये कितना है, ये वाला 10 है. तो आपका जर्नी 100 माइनस एक्स से लेके 10 तक जाना चाहिए. बट एट द सेम टाइम हम लोग तीन बार हाफ लाइफ यूज कर रहे हैं, तो एक बार जब हाफ लाइफ यूज होगा तो वो 100 माइनस एक्स का हाफ होगा, फिर एक बार हाफ होगा, फिर एक बार हाफ होगा, एंड इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट एक्स एज 80 सेंटीमीटर. तो दैट मीन्स एक्स का वैल्यू जो डिस्कार्डेड वॉल्यूम है वो हमें फाइंड आउट करना है, विच इज 80. समझा क्वेश्चन अभी? यस सर. भगवान ठीक है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू. मतलब व्हाई आई सेड हे भगवान, बिकॉज आई ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इट टू इजीएस्ट वे एज पॉसिबल. आई ट्राई टू थिंक अबाउट इजी वे. देयर समझ, एक एंटिटी लेते हैं, एक क्वांटिटी लेते हैं. तेरे पास इतना इतना लिक्विड है, ओके ये तेरे पास लिक्विड है, और इसका वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब. इसमें से कुछ वॉल्यूम हम लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं. डिस्कार्ड कर रहे मतलब निकाल रहे. लेट से दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम इज नथिंग बट एक्स. तो ये वॉल्यूम जो हम लोग निकाल रहे दैट मीन्स इट इज एक्स. और हम लोगों को इनडायरेक्टली उन्होंने बोला है, अगर ऐसा सिनारियो है तो अपने पास बचा हुआ ओरिजिनल वॉल्यूम कितना बचा फिर? तो इसमें से ब्लू पार्ट चला गया, ओके तो ये ब्लू पार्ट चला गया. सो यू विल गेट दिस पर्टिकुलर थिंग विच इज 100 माइनस एक्स. ये हुआ आपका ओरिजिनल बी वन. उन्होंने ये बोला कि आफ्टर थ्री हाफ लाइफ, मतलब इसके बाद क्या होने वाला है पता है? ये वाला बंदा तीन बार हाफ होने वाला है. तो समझो एक बार हाफ हुआ, वन हाफ लाइफ, तो ये हो जाएगा वी वन बाई टू. फिर एक बार ये हाफ होने वाला है तो ये हो जाएगा वी वन बाई टू का टू. फिर एक बार ये हाफ होने वाला है तो ये हो जाएगा वी वन बाई फोर बाई टू. अभी समझा मैंने क्या किया? नाउ इज इट क्लियर? अभी ये सब होने के बाद जो छोटू एरिया बचेगा, ये सब होने के बाद जो बचेगा वो ये रहा. तो उन्होंने क्या बोला कि अगर समझो ओरिजिनल काउंट ये सी है, सी मतलब एक नंबर है, तो ये वाला फाइनल वैल्यू सी बाई टेन है. अभी सी बाई टेन मतलब ओरिजिनल का बाई टेन, विच इज नथिंग बट सिंपली टेन. इज इट ओके नाउ? 100 बाय 10. अभी उन्होंने हमें क्या नहीं समझा, काउंट बाय टेन, ओके ठीक है. जैसे जैसे तूने बोला था वैसे करते हैं फिर. विराली ये देख, सी के लिए वॉल्यूम दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो सी बाय 10 के लिए वॉल्यूम दिया है अननोन वी. लेट्स डू क्रॉस मल्टीप्लाई. व्हाट इज वी का वैल्यू? 10. हाँ वही, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हुआ? 10. ओके सो यू You got this 10 as a value. तो हमें हमें जर्नी देखनी है. तो हमने नोटिस किया कि ये जो 100 माइनस एक्स है वो थ्री बार, मतलब उसके अपॉन में 8 आएगा, तो हमें ये फाइनल मिलेगा. सो दैट इज वाई वी राइट जर्नी लाइक दिस, 100 माइनस एक्स अपॉन 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 थ्री हाफ लाइफ इक्वल्स टू लास्ट काउंट दैट इज 10. इधर से x कैलकुलेट करना है विच इज 80. नाउ इज इट क्लियर? हाँ सर. ओके लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टू क्वेश्चन फ्रॉम हर. रेडियो एक्टिव ऑफ कोबाल्ट इज ट्रांसफर्ड इनटू स्टेबल निकल बाय एमिटिंग 2 गामा रेज ऑफ एनर्जी. अरे यार ये तो रिलेशन है, मतलब मेरे को एनर्जी का वैल्यूज याद नहीं आ रहा अभी, बट आई विल ट्राई टू टेल यू दोज वैल्यूज. ये भी खत्म हो गया. एक्चुअली ये आपको ना थियोरेटिकल आंसर्स की तरह याद रखना है. समझो कोबाल्ट निकल में कन्वर्ट होता है, तो मोस्टली जो गामा रेज होते हैं वो गामा रेज ऑफ 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के होते हैं सक्सेशन में. मतलब फर्स्ट गामा रे जो निकलेगा उसका एनर्जी होगा इतना, जो सेकेंड निकलेगा उसका एनर्जी इतना होगा.
अभी सर इज देयर एनी ट्रिक टू रिमेंबर? नो, मतलब होता तो मेरे को खुद याद होता, मैंने ये अभी इंटरनेट से सर्च करके आपको बताया, तो दैट मीन्स आपको इसके लिए रट्टा ही करना पड़ेगा दीज टू वैल्यूज. नेक्स्ट, वॉट इज एन शी इज आस्किंग. अच्छा ये क्वेश्चन है, अ न्यूक्लियस UX1 has half life of 24.1 days, how long sample of UX1 will take to change to 90% of UX1? देख अभी ये 58 ना easy type का question है जो तूने भेजा, तो 58 में क्या बोल रहा है कि UX1 उसका original size है, how long does a sample of UX1 will take to change 90% of UX1? मतलब n या फिर activity लेते हैं, चल n के जगह a भी लिखेंगे तो भी कोई issue नहीं है. So a upon a naught will be equals to half of n, बराबर? अभी एक्टिविटी में उन्होंने क्या बोला है कि न्यू वाला एक्टिविटी इज 90% ऑफ ओरिजिनल, मतलब ए नॉट, ए नॉट उनका UX1 से डिनोट किया है, बाकी कुछ नहीं. अभी ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 90% मतलब कितना हो जाएगा, 0.9 समथिंग लाइक दैट. हाँ उतना ही हो जाएगा ना, 90% means 90/100. मैं confused इसलिए हो गया क्योंकि यार मैं half raise to n कैसे solve करूँ, अभी मेरे पास nth root है नहीं. Shall I refer to some another method? ये सबसे easy था यार, अभी इसमें भी problem हो गया. Any other method you guys could think about? तो मेरे पास बेस्ट था, ठीक है चलो ये एन एन का ही तो प्रॉब्लम है ना. विल 90% डीके बोला है कि 90% अनडीके बोला है, क्योंकि हम लोग इसके अंदर तो 90% अनडीके लग सकते हैं ना. हाउ लॉन्ग अ सैंपल विल टेक टू चेंज टू 90% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, 90% विल टेक टू चेंज टू 90% ऑफ UX1. 90% of UX1 मतलब सर अनडीकेड वाला होगा ना, क्या बोल रही है? ये जो 90% of UX1 बोला है वो अनडीकेड होगा ना? अनडीकेड है वो, इसीलिए मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए था n equals to, मतलब जो भी एक्टिविटी है वो नहीं. एक मिनट क्वेश्चन फिर से पढ़ने दे. A nucleus UX1 has a half life of 24.1 days. How long a sample of UX1 will take to change to 90% of original one? Decrease by नहीं बोला है, change to बोला है यार, तो सब्ट्रैक्ट करके 10% तो नहीं आना चाहिए सर. बोलना, इसमें हम लोग वाला केमिस्ट्री का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? कौन सा वाला केमिस्ट्री में हम लोग को, अगर हम लोग को टी हाफ दिया है तो हम उससे कांस्टेंट के ढूंढ सकते हैं, मतलब 0.693 अपॉन टी हाफ से के मिलेगा, और फिर के को अपन टी के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 2.303 अपॉन टी इनटू लॉग ऑफ ए अपॉन ए नॉट. हां वही यूज करते हैं. बोल फिर से बोल फॉर्मूला. पहले तो लैम्बडा निकालना पड़ेगा, 0.693 या ओके देन नेक्स्ट. फिर ये लैम्बडा इज इक्वल टू 2.303 टाइम ना कि लैम्बडा, सॉरी लैम्बडा इक्वल टाइम और लैम्बडा इंटरचेंज हो सकता है ना. हाँ बोल. 2.303 अपॉन टी इनटू लॉग ऑफ ए अपॉन ए नॉट, या फिर ए नॉट अपॉन ए कुछ था वो, हेतवी लोगों से पूछो मुझे याद नहीं वो क्या है. अच्छा हेतवी लोग तुम लोग बताओ रे फॉर्मूला क्या है, या फिर मैं पहले ऊपर बता दूं? ए नॉट है या ऊपर ए है वो मुझे श्योर नहीं सर. ए नॉट बाय ज्यादा वैल्यू और नीचे कम. ओके और लाइक वी कुड सिंपली फॉलो आवर स्टैंडर्ड मेथड आल्सो, बट इन्होंने क्या किया 100 अपॉन 10 आएगा. हाँ बट इन्होंने कैसे किया पता है सॉल्व? इन्होंने लैम्बडा को लेकर 0.693 अपॉन टी हाफ, ओके देन दे कैलकुलेटेड इट, एंड उन्होंने एन को एन नॉट माइनस 90% ऑफ एन नॉट लिया. दिस इज वेयर आई हैव अ लिटिल बिट प्रॉब्लम.
क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने वैसे स्टेट नहीं किया है. हाउ लॉन्ग द सैंपल ऑफ ux1 विल टेक टू चेंज टू 90% ऑफ ux1. तो 90% ऑफ ux1 मतलब ऐसे आना चाहिए था. तो उन्होंने 90% ऑफ ux1 मतलब n not minus 90% ऑफ n n टू लिया n not लिया. सो दैट मींस बचा है 10% ऑफ n not. ओके then after that they solved it like this, n will become then n not upon 10 because definitely yaar 10 by 100 ho jayega. Then after that they use the formula n equals to n not e raised to minus lambda t. n ke jagah n not by 10 dalenge, yahan pe n not ho jayega, e raised to minus lambda t ho jayega. n not cancel, this will be 1 by 10 equals to e raised to minus lambda t. Okay, after that we can take reciprocal so that t will become e raised to lambda t. We can take log ln ka 10 ho jayega, which is equals to lambda t. We can also use 2.303. main end mein wahi formula use karne wala hu jo tum log bol rahe the. Okay, lambda t. So t will be equals to 1 upon lambda times 2.303 times log 10. aise solve hoga wo t ka. How long the sample of ux1? Sir, n not minus 90%. वही मैं देख रहा हूँ यार, मेरे को वही confusion है. How long the sample of ux1? सर, हम लोग को आंगे के material रखना है ना, हम लोग को आंगे के material रखना है. ये लोग ने हम लोग को डीके कितना percent डीके हुए वो दिए है. How long? मतलब मैं आंगे के रखते हैं. हाँ, okay, बराबर है. That is why. इन्होंने हमें जो 90% का data दिया है ना, वो decayed material का दिया है. और ये जो n होता है ना वो अनडिकेड होता है. तो दैट्स व्हाई सबट्रैक्ट करके हम लोगों ने 10% निकाला. करेक्ट क्षेत्र, वेरी नाइस. तो ये था आपका सॉल्यूशन. सम क्वेश्चंस आर ट्रिकी एंड आई एम नॉट गोना डिनाई दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन मयंक का है लगता है, वो 63 वाला रैंडम नंबर उसी का है. करेक्ट मयंक? इज ही देयर? लाइक ओके, व्हाई डोंट यू गाइस जॉइन इन न्यू सेशन. हम लोग न्यू सेशन में कंटिन्यू करते हैं. Okay. Radon has 3.8 days as a half life. So T half तेरे को दिया है 3.8 days में, कोई बात नहीं. How much radon will be left out? So N पूछ रहे हैं of 15 milligram M given है after 38 days. T 38 days given. Okay. So how to solve this particular question? So we could use n upon n naught equals to half raised to small n. n upon n naught chahiye un logo ko sirf n. How much radon is left out? Okay, of 15 milligram mass. Okay, to matlab m actually hame calculate karna hai aur total mass unhone diya hai. समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो पहले आपके पास ऐसा टोटल करके 15 मिलीग्राम का मास था, उसमें से आपका बचा कितना? तो बचा हुआ जो मास है दैट इज नथिंग बट स्मॉल m. ओके, तो गॉट इट. तो जो जैसा n का रिलेशन है वैसे ही आप m का रिलेशन ट्राई करके देखो, क्योंकि फिर ये हो जाएगा m अपॉन m नॉट हाफ रेस टू n. m का वैल्यू निकालना है, m नॉट दिया है आपको 15 ग्राम. करेक्ट, तो 15 मिलीग्राम है, तो यू विल राइट इट एज 15 मिलीग्राम ओनली. अभी समझा ना तुझे मतलब क्वेश्चन? ये 15 हो गया, फिर हाफ हो जाएगा, फिर एन हो जाएगा टी अपॉन टी हाफ, और दोनों भी डेज में है तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा और इधर से तुझे एम मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, if the nucleus of aluminium 2713 has a nuclear radius of about 3.6 Fermi, okay, if the nucleus of aluminium 2713 has a nuclear radius of about 3.6 Fermi meter, theek hai, r, are wo wala formula r not a raised to 1 by 3, yes, kitna 3.6 femtometer, then TE 12552 would have radius approximately equals to. नहीं, ये फॉर्मूला नहीं चलेगा. बट अगर हम लोग लॉजिकली सोचेंगे तो अगर आपका रिलेशन आपको मालूम है तो
R is actually equals to R naught A raised to 1 by 3 होता है. R naught constant है, तो R is directly proportional to atomic mass number raised to 1 by 3. तो so R1 by R2 will be equals to A1 by A2 raised to 1 by 3. Considering A1 as aluminium, तो aluminium का 37 है, and इसका है 128. So, sorry, 27 है ना, ये 27. तो ये 27 है और ये 128 है रेस टू 1 बाय 3. ओके, अभी आपको क्यूब रूट निकालना है, तो यू विल गेट फाइनल आंसर. क्यूब रूट कैसे निकालोगे? 27 का तो पता है मेरे को 3, 128 का कितना होता है? एनी आइडिया? 125 है. अरे यार क्या कुछ भी लिखते तुम लोग. तो ये 125 है, तो दैट विल बी 5. तो 5 आ गया क्यूब रूट. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो R2 will be 5 by 3 times R1. And R1 तेरे पास already भाई available है, that is 3.6. तो you could actually solve them. You will get 1.2 times 5, which is equals to 6. So 6 femtometer is your answer. Mayank samjha? Yes sir. Okay, next question देख, straightforward है. वही मैंने बोला 1.17 and 1.1 जो भी मैंने values बताए थे ना, 1.37 वाला वो वाला, तो वो option choose करना है, cobalt and nickel का. There is no other method to solve that type of question. The gravitational force between हम बोलना. अगर कोई और दो elements का दिया यहाँ पे, तो वापस cobalt and nickel ही था, और कोई दो elements का दिया तो उसका value different होगा. इसलिए ऐसे type के question बहुत rarely आते हैं. Rare मतलब बहुत rare. क्यों? क्योंकि वैल्यू रेडियस का डिफरेंट होता है ना. अभी कोबाल्ट एंड निकल का क्यों कॉमनली दिया है बुक्स में, मतलब इसका बुक और उसका बुक में भी अलग होगा, बट व्हाई दे हैव गिवन दिस क्वेश्चन, बिकॉज़ कोबाल्ट एंड निकल के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन बहुत हुए ये रेडियस के रिलेटेड, दैट इज व्हाई. तो ये कॉमन टाइप है, तो एक कॉमन टाइप कोबाल्ट निकल जो आपको बार बार आ रहा है उसको याद रखो, बाकी सब भूल जाओ. थोड़ी ना आप सारे रिमेम्बर करते रहोगे. द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड अनदर पार्टिकल ऑफ मास m will be given by Newton's law, F equals to GMMR square, where R is in kilometer, hey Bhagwan, and capital M kya hota hai, the gravitational force between hydrogen atom and another particle of mass M, okay, so hydrogen atom mein sirf ek proton hota hai, aur sirf ek electron hota hai, aur ek small dusra ek atom hai, small m, jiske baare mein hume pata nahi, aur dono ke beech ka distance kilometer mein, hey Bhagwan, ठीक है, आर इज इन किलोमीटर. तो वो पूछ रहे हैं कि ये जो कैपिटल एम है, कैपिटल एम मतलब हाइड्रोजन का मास, बराबर. तो कैपिटल एम जो पूछ रहे हैं, बट उन्होंने बोला नहीं है कि कैपिटल एम मतलब हाइड्रोजन है. उन्होंने बिल्कुल नहीं सर, वही सर, क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है वैसा. अरे बट उन्होंने ऑप्शन सी देखना क्या दिया है, एम इज नॉट रिलेटेड टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. ये भी तो पॉसिबल सिरा रहे हो. अगर वो ऑप्शन नहीं देते ना, तो मैं सोचता ही नहीं उसके बारे में. मतलब मैं बोलता कि एम कैपिटल एम हाइड्रोजन ही है, बट उन्होंने वैसे कैसे दिया? मेरे को ये रिलेशन पता है एक्चुअली, इट इज अ वेरी फेमस रिलेशन, जो आपका ऑप्शन बी है ना, दैट वन. तो अगर आप हाइड्रोजन देखोगे ना, अगर समझो कैपिटल एम हाइड्रोजन है, तो बाय दैट पर्टिकुलर लॉजिक आपका मास ऑफ प्रोटॉन भी आएगा, आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आएगा, एंड देयर इज वन मोर मास इन्वॉल्वड दैट इज एसोसिएटेड विद द एनर्जी, ओके, एंड दैट इज एसोसिएटेड विद बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअली. तो वो मास आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट सी स्क्वायर. एक्चुअली इट इज लाइक मास डिफेक्ट. आपको मास डिफेक्ट याद आ रहा है? मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट एक कंसेप्ट सीखा था हम लोगों ने, जो एक्चुअल मास नहीं बता था. तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है पता है? डेल्टा एम इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कंसिडर करते हैं, ओके, माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ माइनस एक्चुअल मास, करेक्ट, ये फॉर्मूला होता है. तो अभी इसमें से हमने एक्चुअल मास निकाला, तो एक्चुअल मास ये साइड आया, so this will be mass of proton, neutron है ही नहीं, mass of electron minus delta m हो गया. अभी delta m क्या formula क्या है पता है? binding energy का, it is delta m times c square. तो delta m को replace किया गया है
बाइंडिंग एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर से. सो ये डेल्टा एम के जगह बी अपॉन सी स्क्वायर पुट किया गया एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. बट मयंक तेरा कंफ्यूजन टोटली वैलिड है क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो गया. दे शुड मेंशन, अदरवाइज ऑप्शन सी देना ही नहीं चाहिए. एम इज नॉट रिलेटेड टू द मास ऑफ हाइड्रोजन. बट ऐसे टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में तो इनका जो उन्होंने दिया है वही वाला फाइनलाइज कर दो. ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. भगवान इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन. शीतल तेरे 11 12 क्वेश्चन है. सर सब रेडियो एक्टिविटी नहीं है, जो न्यूक्लियर फिजिक्स का भी क्वेश्चन, वो यूरेनियम मास वगैरह उसका. द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज मेजर्ड एज एन नॉट काउंट्स पर मिनट t equals to 0, n naught by e counts per minute, t equals to 5 minutes, at t equals to 0, t equals to 5 minutes, the time in which the activity reduces to half of its value is. So, the time in minutes at which the activity reduces, मतलब half period निकालना है तेरे को indirectly. So, t half is the question mark. Okay, और जो capital T दिया है, capital T 5 minutes दिया है, small t दिया है 5 minutes दिया है. So you can use the formula as n upon n naught. Okay, जब 5 minutes की बात हो रही थी और यहाँ पे जो formula होगा वो small, sorry, 1/2 raised to n होगा. Okay, अभी उन्होंने क्या बोला है, जब time तेरा zero था, मतलब initial वाला scenario, तो वो time पे तेरा activity n naught ही था, मतलब जो draw किया है. But जो नया वाला scenario था 5 minutes, उसके लिए ये हो जाता है n naught upon e. So this is half raised to n, n not cancel, you get 1 upon e raised to 1/2 raised to n. Okay, अभी 1/2 raised to n को solve करना है. So how to solve this particular thing, we can actually write it as 2 raised to n और ये e हो जाएगा reciprocal. After that we can take log, तो अगर हम लोग log ले तो ये हो जाएगा log to the base e और ये हो जाएगा 2 ln लेना है ln और ये हो जाएगा 2 ln, सॉरी n ln 2 n ln 2. ओके अभी सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. तो अगर आप देखोगे ln और e कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को तो 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा n ln ऑफ 2. अभी ये जो n है ना, n उसका फॉर्मूला क्या होता है, t अपॉन कैपिटल T, करेक्ट. आपको कैपिटल टी निकालना है, कैपिटल टी को ये साइड लेके आओ. सो इट विल बी स्मॉल टी ln टाइम्स 2, सो दैट इज 5 ln 2, दैट इज ऑप्शन डी. समझा मयंक ये? यस सर. ओके सोनाली के तीन चार क्वेश्चन है वो पहले करते हैं, फिर शीतल के क्वेश्चंस करते हैं. बिगिन. ओके, अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स कन्वर्ट्स इनटू अनदर स्टेबल एलिमेंट वाई. Half life of X is 2 hours. Initially only X is present after time T. अरे भगवान कितना टफ क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, ड्रॉ करते हैं. रेडियो एक्टिव एलिमेंट X है, ठीक है, वो कन्वर्ट्स अनदर एलिमेंट Y में, ठीक है. हाफ लाइफ ऑफ X इज 2 hours, ठीक है. इनिशियली ओनली X इज प्रेजेंट आफ्टर टाइम T. द रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ X एंड Y इज फाउंड आउट टू बी 4, then t in hours is how much? Okay. What if we use that formula? N equals to n naught. Yeah, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पहली बात तो अंडरस्टैंड करने के लिए दिमाग खराब हो जाता है. And then they want us to properly write it. सॉल्व इट एक्चुअली, ठीक है. मैं बताता हूँ इसको शॉर्ट एंड इजी वे में कैसे सॉल्व किया जा सकता है. पहली बात तो आपको nx का वैल्यू कितना दिया है, nx का वैल्यू दिया है 1/4 और ऑब्वियसली ny का वैल्यू, nx अपॉन ny का वैल्यू 1/4 है. तो इतना तो पक्का पता चल सकता है. एक मिनट रुको,
मेरे को फिर से पढ़ने दो. रेडियो एक्टिव एलिमेंट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू सेवल एलिमेंट व्हाई. हाफ लाइफ ऑफ एक्स इज 2 आवर्स. इनिशियली ओनली एक्स इज प्रेजेंट. आफ्टर टाइम टी द रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ एक्स एंड वाई इज फाउंड आउट टू बी 1:4. nx और ny का अगर मैं टोटल एडिशन करूंगा तो मुझे ओरिजिनल एलिमेंट मिलेंगे जिसमें से nx इज ny टाइम्स 2. हे भगवान, नहीं रुको, अगर समझो रेशियो 1:4 है. नहीं, ये नहीं दिया है मतलब उन्होंने. ओके सर, इसका आंसर क्या है? पता नहीं मुझे, ये आंसर क्या है इसका? सोनाली सर मैं चेक करूं सांग. ओके, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ मैंने कैसे इसको वर्कआउट करने की कोशिश की. इमेजिन करो इस वे में कि अपने पास एक एलिमेंट था एक्स, ओके, और ये एलिमेंट रेडियो एक्टिव प्रोसेस के अंडर जा रहा है. जब ये एलिमेंट रेडियो एक्टिव प्रोसेस के अंडर जा रहा है तो ये वाई में कन्वर्ट हो जाता है. अगर आप एक्स एंड वाई दोनों को क्लब करोगे, दैट मीन्स इफ यू एड देम टूगेदर एनएक्स एंड एनवाई, तो आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे जो इनिशियली थे, विच इज एन नॉट. देखो, रेडियो एक्टिविटी जब हुआ तो एक्स कन्वर्ट हो गया वाई में, मतलब एक्स का कुछ टुकड़ा वाई में कन्वर्ट हो गया. तो अगर हम लोग टोटल को ऐड करेंगे तो मुझे एन नॉट मिलेगा, दैट इज ओरिजिनल वैल्यू. फिर आपको एक और चीज बताया है कि द रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ एक्स एंड वाई आर फाउंड टू बी 1:4. दैट मीन्स एक्स में 1 प्रपोर्शन है और वाई में 4 प्रपोर्शन है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं. तो इट्स लाइक सेइंग कि अगर समझो हम लोग ऐसे कंसिडर करेंगे कि एन एक्स एंड एन वाई का रेशियो अगर हम लोग लेंगे तो इट वॉज फाउंड टू बी 1:4. तो अगर समझो मैं इसको पुट करता हूं एन वाई के जगह, ठीक है, सो एन वाई विल बी 4 टाइम्स एन एक्स. नहीं बट इससे सॉल्व नहीं होगा, 5nx हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. नहीं, आई कांट सॉल्व इट लाइक दैट. आंसर सी है. सी है, ओके. बोलो किसी के पास ऑप्शंस है दूसरे, अनदर वे? सर ये एक ही है, मैं ठीक से होगा, आप जो बता रहे हो ना उसी से होगा. nx ny का ना, मेरे को भी वही लग रहा है. हां, nx उसी से होगा, n by n not लेके इनिशियली तो आपका 5 हो जाएगा ना, फिर n by में कन्वर्ट हो रहा है तो n by आपको 4 दिया तो वैल्यू 4/5 आएगा. मैच नहीं होगा उससे. आपको क्या बोला है कि आफ्टर टाइम t द रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ x एंड y are found to be 1:4. 1:4 मतलब 25 out of 100. तो अगर समझो हम लोग nx upon n not देखे, तो nx upon n not is actually सर इनिशियली एन नॉट एक्स होना चाहिए ना, एन एक्स प्लस एन वाई कैसे होगा क्योंकि एक्स तो अनडिकेड है ना, मतलब वो डिके हुआ ही नहीं है, तो वो इनिशियल अमाउंट होना चाहिए ना. रेडियो एक्टिव मतलब तू बोल रही है एन नॉट प्लस n not equals to nx बोल रही है तो ऐसे. हाँ x से ही convert हुआ है ना y में, तो x plus y तेरा n not होगा. हाँ x ही तेरा convert हुआ है y में. n not क्या है कि पहले कितना था, तो पहले तो x ही था ना, बाद में y बना ना उससे, तो x से ही तो y बना है ना. हाँ लेकिन total amount के लेगी ना, एन नॉट टोटल कितना है, तो टोटल एक्स डी की होगी, वाई भी है, ऐसा हुआ ना.
एक मैं ऑनलाइन सर्च किया, इन्होंने क्या बोला, एज्यूम इनिशियल कंपोजिशन टू कंटेन ओनली एक्स गिवन दैट वन हाफ इज टू आवर्स आफ्टर वन हाफ लाइफ अमाउंट ऑफ एक्स रिमेनिंग इज हाफ, तो अमाउंट ऑफ वाई हो जाएगा हाफ, रेशियो हो जाएगा 1:1, नो प्रॉब्लम। आफ्टर टू हाफ लाइफ अमाउंट हो जाएगा 1/4 एंड ये हो जाएगा 3/4, ओके करेक्ट। द रेशियो इज 1:3, 1/-7 and the ratio of 1:3. Hey, फालतू गिरी है यार। I got a question now. It is easy question. तुम लोग सोच ही गलत रहे थे। अरे क्यों पता है? Question का framing उन्होंने वैसे करके दिया है, तो वो दिमाग में ही क्लिक नहीं हो रहा है। Guaranteed आपको दिमाग में वहाँ पे भी क्लिक नहीं होता ये particular चीज। कैसे बोला है पता है उन्होंने? कि समझो एक radioactive X element जो X है ना X, वो Y में convert हो रहा है। हाँ? इमेजिन करते एकदम एकदम इनिशियल इनिशियल बिगिनिंग है, एकदम स्टार्टिंग वाली बिगिनिंग है। तो यहाँ पे पूरा स्टोरी सुनो, पूरा स्टोरी सुनो। मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक्स को ऐसे कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक्स वाला ब्रैकेट, यहाँ पे एक्स का सिनारियो है और ये जो है यहाँ पे वाई। तो फर्स्ट केस में क्या था कि पूरा का पूरा एक्स एज इट इज था और वाई बिल्कुल नहीं था, दैट मीन्स यहाँ पे नो रेडिएशंस है, स्टोरी बिगिन ही नहीं हुआ, बराबर। आफ्टर दैट एक हाफ लाइफ क्रॉस होता है जिसका टाइम है 2 आवर्स, नो इश्यू विद दैट, एक हाफ लाइफ क्रॉस हो रहा है। जब हाफ लाइफ क्रॉस होगा तो क्या होगा, अरे आपका एलिमेंट हाफ हो जाएगा, करेक्ट। तो आपका एक्स का वैल्यू इसका ओरिजिनल जो वैल्यू था उसका हाफ हो जाएगा, एग्री विथ मी? तो ये हो जाएगा एक्स बाई टू, या फिर समझो अगर ओरिजिनली मैं इसको एन नॉट कंसिडर कर रहा हूं तो ये हो जाएगा एन नॉट बाई टू। तो वाई कितना हो जाएगा, वाई हाफ हो जाएगा क्योंकि वो एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो हो जाएगा एन नॉट बाई टू। इज इट क्लियर नाउ? इतना समझा? हेलो हेलो, नहीं समझा क्या? ओके, अभी अभी समझो, अगर मुझे रेशियो लेना है एन एक्स और एन वाई का, तो एन एक्स और एन वाई का रेशियो कितना हो जाएगा, आफ्टर यू सॉल्व इट, इट विल बी एन एक्स का एन नॉट बाई टू है और यहाँ पे भी अननॉट बाई टू है, तो रेशियो हो जाएगा 1:1, ओके। फिर नेक्स्ट एक और हाफ लाइफ पास करते हैं, एक और हाफ लाइफ हो गया, ओके। एंड वंस वन मोर हाफ लाइफ इज पास, अभी जो आपका एलिमेंट है वो थर्ड केस में क्या हो गया, एन नॉट का हाफ हो जाएगा एक्स, मतलब दिस विल बिकम एन नॉट बाई फोर। तो ये कितना बढ़ेगा, कितना हो जाएगा बताओ जरा, ये 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 वाले का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, 3 n not by 4। तो टोटल मतलब ये हो जाएगा 3/4। अरे एक चपाती ले लो रे, पहले चपाती पूरा था, फिर चपाती आधा आधा बांटा, फिर आधा आधा बटने के बाद इसमें अभी सिर्फ इतना क्वार्टर चपाती अब ले रहे हो, तो यहाँ पे कितना बचा, इसमें 3/4 बचा। अभी समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वार्टर क्वार्टर क्यों कर रहा हूँ वो समझेगा आपको, समझो थोड़ा पहले। तो अभी अगर समझो मैं एन एक्स अपॉन एन वाई करूंगा ये सिनारियो में, तो ये क्या हो जाएगा, एन नॉट बाई फोर अपॉन 3 n not by 4। तो इफ यू सॉल्व इट यू गेट 1/3 एज आंसर, ओके। अभी आते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में, फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में इसका हाफ होने वाला है, करेक्ट, इसका हाफ मतलब एन नॉट बाई फोर का हाफ क्या हो जाएगा, एन नॉट बाई एट, तो यहाँ पे बचा एन नॉट बाई एट। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो दैट विल बी एन नॉट माइनस एन नॉट बाई एट विच इज इक्वल्स टू 7 n not by 8। अभी रेशियो अगर निकालोगे एन एक्स अपॉन एन वाई का तो हो जाएगा 7 n not by 8 upon 7 n not by 8, ओके, सॉलिड एंड यू विल गेट आंसर एज 1/7, ओके। अभी मैं क्वेश्चन बताता हूँ उनका क्या है। आपने जर्नी देखा, आपको जर्नी ये समझा होगा कि जब भी हम लोग फर्स्ट देखे एकदम बिगिनिंग था वो टाइम पे एन एक्स एन वाई का रेशियो ही नहीं था, सेकेंड जब स्टोरी हुआ तो सेकेंड पॉइंट पे हमें जो एन एक्स एन वाई का रेशियो मिला वो था 1:1, फिर थर्ड टाइम पे हमें जो रेशियो मिला वो था 1:3 ना, फिर फोर्थ टाइम पे हमें जो रेशियो मिला वो था ये वाला, दैट इज 1:7। अभी पता है उन लोगों ने क्वेश्चन क्या पूछा, वो ये पूछ रहे हैं कि जो आपको 1/4 दिया है ना, ये क्वेश्चन में दिया है,
क्वेश्चन में, तो आपका जो 1/4 आपको दिया है वो किस में प्रेजेंट आएगा, मतलब ये जो पूरा जर्नी है उस जर्नी में आपका 1/4 कहाँ पे मिलता है। तो ऑप्शन देखो, टाइम इन आवर, 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद तो आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, बराबर यहाँ पे जर्नी स्टार्ट हुआ, 2 घंटे बाद आपको पहला रिलेशन मिला, बट 2 घंटे के बाद आपको 1:1 मिल रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद और 2 घंटे के बाद आपको 1:3 मिल रहा है, मतलब 4 घंटा भी नॉट पॉसिबल। उसके बाद और 2 घंटे के बाद आपको यहाँ पे 1:7 मिलता है, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो एक्चुअल में करेक्ट आंसर कहाँ पे मिल रहा है आपको, मतलब ना तो आपको 4 घंटे पे मिल रहा है, ना तो आपको 6 घंटे के बाद मिल रहा है, तो कहाँ पे मिल रहा है, 1:4। आप अगर फ्रैक्शन अच्छी तरह से समझते हो तो आपको रियलाइज होगा कि जो 1:4 है वो एक्चुअली लाई होता है 1/3 और 1/7 के बीच में। 1/4 इज लाइंग बिटवीन समवेयर, मतलब यहाँ पे ये जर्नी में आपको मिलेगा यहाँ पे, तो ये 1/4 होगा। तो आपको 1/4 किसके बीच में मिला, 2 to 4 hours के बीच में एंड 6 hours के बीच में, एंड दैट इज वाई ऑप्शन इज 4 and 6। Probably the toughest question you would have seen, but which is actually based on logic, not solving. मतलब like numerical solving नहीं है, कोई formula ज़्यादा use नहीं किया, logic use किया। बताओ किसको doubt है अभी? समझा question कि नहीं समझा अभी? समझा सर। ओके ठीक है, व्हाट अबाउट यू सोनाली? सोनाली हाँ सर, समझ ला कि नहीं? हो हो। ओके तो गाइस लाइक प्रोबेबली आप जर्नी के रिलेटेड क्वेश्चन था तो इसलिए टफ था। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of uranium-235 and uranium-238 in natural uranium deposits today is 0.0072. What is the ratio 2 × 10⁹ years ago? The half-lives of the two isotopes are... So, no, kutun question kaadle is tuve, kutla book madle? Sir, maja kade ek app hai, techat let. These are higher level questions. Like you could say that these questions are of JEE level. Not gonna solve this question, it is very tough to solve. Exponential karaycha, lambda karaycha, solve karaycha. They are gonna ignore it. ओके 120 वाला ट्राई करते हैं, 119 इज आल्सो डिफिकल्ट वन, सो नॉट गोइंग टू सॉल्व इट। अभी एक क्वेश्चन डिफिकल्ट सॉल्व किया, मेरे को पता है आप में से आधे लोगों को तो समझा ही नहीं है। ओके सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन गोज लाइक दिस, हाफ लाइव्स ऑफ टू आइसोटोप्स एक्स एंड वाई of a material are known to be 2 × 10⁹ years and 4 × 10⁹ years respectively. If a planet was formed with equal number of these isotopes, the estimate current age of the planet, given that currently the material has 20% of x and 80% of y, will be equals to. तो एक बात तो पक्की पता चली है हम लोगों को कि जो जब initially material बना था तो वो हाफ ऑफ मटेरियल से बना था, और अभी जो बना है वो 20% इक्वल नंबर ऑफ आइसोटोप से बना था। मतलब अगर समझो हम लोग अर्थ कंसिडर कर रहे हैं तो हाफ ऑफ दीज मटेरियल्स वेर एनएक्स एंड हाफ ऑफ दीज मटेरियल वेर एनवाई। ओके तो अभी सीन क्या होता है कि इफ वी ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो उन्होंने कैसे बोला है कि आफ्टर करंट एज, मतलब अभी रिसेंट में ऐसा हो रहा है कि जो x का कंटेंट है ना वो x का कंटेंट कम हो रहा है और 20% हो रहा है। सो नाउ दिस इज 20% x एंड 80% y। सो द क्वेश्चन ओवर हियर इज दैट, सिंपल सा क्वेश्चन है कि वो बोल रहा है कि गिवन दैट
करंट एज, करंट एज मतलब आपको टी निकालना है, टाइम निकालना है, कितना टाइम चला गया. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेट अस बिगिन. फर्स्ट यू आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला ऑफ एन एक्स एंड एन वाई. तो आपको आपको ये वाला वैल्यू दिया है, देखो n अपॉन n नॉट इक्वल्स टू हाफ रेस टू n. शैल वी यूज दैट? नहीं, इसे नहीं होगा. लेट्स यूज अनदर फॉर्मूला. लेट अस यूज दिस. एन एक्स विल बी इक्वल्स टू एन नॉट बाई टू इंटू ई रेस टू माइनस लैमडा वन टी. डीके कॉन्स्टेंट मुझे पता नहीं है, दैट इज वाई इट इज डिफरेंट. और ये जो वैल्यू है एन एक्स का वो कितना दिया है, 20%. 20% बचा है ना, तो 20% मतलब कितना होता है, 0.2. सो दिस विल बी 0.2 एन नॉट डिवाइडेड बाई टू इंटू ई रेस टू माइनस लैमडा वन टाइम्स टी. अभी यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आपको नहीं, इसको एज इट इज कीप करते हैं. सेकेंड चीज, एन वाई के लिए अगर समझो मैंने इक्वेशन क्रिएट किया, तो एन वाई विल बी एन नॉट अपॉन टू ई रेस टू माइनस लैमडा टू टी. ओके, एंड एन वाई हो रहा है 80%, सो 0.8 एन नॉट बाई टू ई रेस टू माइनस लैमडा टू टाइम्स टी. अभी क्या करना है आपको, यू नीड टू टेक रेशियो ऑफ दीज टू क्वान्टिटीज. तो जब आप रेशियो लोगे क्योंकि ओरिजिनल टोटल जो था ना, टोटल वो एन नॉट था, उसमें से एक्स का ओरिजिनल कंटेंट कितना था, देख एक्स का, सिर्फ एक्स का एन नॉट बाई टू, एंड सिर्फ वाई का ओरिजिनल इनिशियल कितना था, एन नॉट बाई टू. अभी समझा, टोटल अर्थ का एन नॉट लिया एंड दैट इज वाई ऐसे डिवाइड करते हैं. बट वैसे भी मैं एन नॉट भी लिखता ना तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट द एंड में रेशियो ही लेने वाला हूँ. You will see what I'm talking about. So, अगर समझो मैं रेशियो लेता हूँ इन दोनों एंटिटीज का, that is 1 divided by 2, you will get 0.2 upon 0.8 on left hand side. N not by 2, N not by 2 cancel हो जाएगा. ये हो जाएगा e raised to minus lambda 1 by t, e raised to minus lambda 2 by t. 0.2, 0.8, 1 by 4 देंगे आपको करे, और फिर ये e raised to minus lambda 2 ऊपर जाके plus हो जाएगा. So, you will get e raised to minus lambda 1 by t into e raised to lambda plus lambda 1 by t. okay, और ये equals to क्या हो गया, equals to आपका 4 बचा है, sorry 4 नहीं बचा है, 1 by 4 बचा है. okay, now you could take lambda t common, और पहले base same करते हैं, तो ये minus lambda 1 by t plus lambda 2 by t बचा equals to 1 by 4 e, then you can actually take 1 by t common, ये बचा माइनस लैमडा वन बाई टी. कैसे आया मुझे, एक मिनट, लैमडा वन टी है, बाई टी नहीं है वो. सोनाली सच्ची में आपसे क्वेश्चन, लैमडा वन टी लैमडा टू टी, सो दिस विल बी माइनस, सॉरी ये माइनस है ये प्लस है. हाँ, तो नाउ इट विल बी टी कॉमन लेने के बाद माइनस लैमडा वन प्लस लैमडा टू, डन. ओके, अभी रेसिप्रोकल, तो ये साइन चेंज हो जाएगा और इधर बचेगा लैमडा वन माइनस लैमडा टू, इधर फोर हो जाएगा. तो रिमूव ई, यू नीड टू टेक एल एन, सो यू राइट टी लैमडा वन माइनस लैमडा टू इक्वल्स टू एल एन ऑफ फोर. ये फिर उसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो अभी देखो लॉग फोर का वैल्यू हमें पता नहीं है, बट लॉग टू का वैल्यू सबको पता है. सो वी कैन डू अ जुगाड़ एंड वी कैन राइट ln raise to 4 as ln 2 square. और यहाँ पे टाइम हमें फाइंड आउट करना है, लैमडा वन लैमडा टू आई डोंट नो, एक्चुअली आई हैव 1 अपॉन 2 इंटू 10 रेस टू 9 वाला, वो वाला. तो यू कुड यूज दैट. द प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो है आपको डेटा जो प्रोवाइडेड है डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता मुझे 0.693 भी, हे भगवान. सो लैमडा वन विल बी 0.693 अपॉन हाफ लाइफ. तो हाफ लाइफ कितना है, 2 इंटू 10 रेस टू 9. 0.693 सिंपली ln 2 ओनली, सो ln 2 अपॉन 2 इंटू 10 रेस टू 9. लैमडा 2 क्या हो जाएगा बाय दैट लॉजिक, ln 2 अपॉन 4 इंटू 10 रेस टू 9. तो अभी मैं यहाँ पे लैमडा 1 और लैमडा 2 जब सब्सटीट्यूट करूंगा तो मैं ln 2 को और 10 रेस टू 9 को बाहर ले सकता हूँ एज अ कॉमन. सो दिस विल बिकम ln 2 अपॉन 10 रेस टू 9. यहाँ पे बचा 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 4. नाउ यू कैन सॉल्व इट, यू कुड क्लियरली सी इट, 2 नीचे आएगा, ln 2 कैंसल एंड यू विल गेट टी का फाइनल आंसर. जे लेवल क्वेश्चन.
all these are J-level questions, Sonali. Don't waste your time on this. Cheetah, let us try to solve some of your questions. A radioactive nucleus, Sheetal ke questions dekho. A radioactive nucleus has a specific binding energy E1. It emits an alpha particle. The resulting nucleus has specific binding energy E2. Then, a radioactive nucleus has specific binding energy E1. It emits an alpha particle. The resulting nucleus has specific binding energy E2. Then, humme pucha gaya hai ki kiska binding energy greater hoga. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डेफिनेटली वो न्यूक्लियस का ज्यादा होना चाहिए अल्फा पार्टिकल से. इसका ऑप्शन ये है क्या E2 ग्रेटर देन E1? हाँ सर. हाँ वो क्यों पता है? क्योंकि समझ तेरे पास पहले न्यूक्लियस था. अभी ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है? एक अल्फा पार्टिकल छोड़ रहा है. अभी एक अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के सामने कुछ नहीं है, छोटू सा बच्चा है. अभी अल्फा पार्टिकल का एनर्जी अगर समझ E1 है तो, और न्यूक्लियस का एनर्जी E2 है, तो अभी भी न्यूक्लियस के पास ही ज्यादा एनर्जी है. सो E2 विल बी ग्रेटर देन E1. नेक्स्ट क्वेश्चन. सर लेकिन हम लोग जो वो फॉर्मूला दिया हुआ था आपको काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी आर नॉट रिलेटेड ओवर हियर. और क्यों काइनेटिक एनर्जी का क्या कनेक्शन है? कौनसा वाला बोल रही है? Which one you are talking about? वो एक फॉर्मूला था ना मोमेंटम से काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं. P स्क्वायर अपॉन 2m. हाँ बोल उसमें क्या. हाँ उसी का. लेकिन मैंने आपने अभी वो बाइंडिंग एनर्जी बोला था, मैं उसको काइनेटिक एनर्जी समझ के वो सॉल्व करूं तो आंसर नहीं आया. फिर भी तुझे तुझे न्यूक्लियस का मास थोड़ी पता है. मास का होगा कौन से बेसिस पे ये किया? समझा मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ? न्यूक्लियस का मास मेंशन ही नहीं है क्वेश्चन में, किधर है बता मेरे को. तो यू कैन नॉट. नेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयन सर, इसमें E1 अल्फा पार्टिकल का मास नहीं है, जो रिजल्टिंग न्यूक्लियस है उसका मास है, अरे एनर्जी है सॉरी. द रिजल्टिंग न्यूक्लियस हैज स्पेसिफिक, हां तो E2 है ना, तो रिजल्टिंग न्यूक्लियस का एनर्जी है, मतलब रिजल्टिंग इन द सेंस जो बचा हुआ है उसका, और अल्फा का E1 दिया है. सर नहीं 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 दिया है, न्यूक्लियस रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस का E1 दिया है. अल्फा पार्टिकल का एनर्जी दिया ही नहीं है क्वेश्चन में. ये हेवी न्यूक्लियस है एंड हेवी न्यूक्लियस आर एक्चुअली बाउंड टू रेडियो एक्टिव. अभी हेवी न्यूक्लियस का जो बाइंडिंग एनर्जी होता है वो बाइंडिंग एनर्जी कम होता है. पहले बाइंडिंग एनर्जी डेफिनेशन से एक्सप्लेन करता हूँ. बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी that is used to withhold the nucleus and substances. तो अभी हम लोग जब binding energy less ले रहे हैं, इसका मतलब heavy nucleus से radiation possible है, बराबर? तो heavy nucleus हर एक direction में radiate. Okay. Uranium radiation करता है क्योंकि वो heavy nucleus है. Heavy nucleus मतलब उसका mass ज्यादा होता है. हेवी न्यूक्लियस रेडिएशन एमिट कर पाते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ द ग्रेटर साइज हेवीनेस उनका बाइंडिंग एनर्जी वीक होता है, मतलब न्यूक्लियर फोर्स वीक है. इनडायरेक्टली ये याद रख कि बाइंडिंग एनर्जी लेस मतलब न्यूक्लियर फोर्स लेस, और अगर न्यूक्लियर फोर्स लेस है तभी अल्फा पार्टिकल बाहर जा रहा है. अभी जब ऐसे अल्फा पार्टिकल्स बाहर जा रहे हैं तो वो न्यूक्लियस हेवी से लाइट हो जाएगा, बराबर ना? उसके एलिमेंट बाहर जा रहे हैं तो जब वो लाइट हो जाएगा तो उसका बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगा और न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा. न्यूक्लियर फोर्स वीक क्यों था? क्योंकि वो हेवी था. जब उसने पार्टिकल्स बाहर छोड़े तो वो लाइट हो गया. बाय दैट लॉजिक उसका न्यूक्लियर फोर्स बढ़ना चाहिए.
तो अगर समझो उन्होंने इसको E1 बोला है और इसको E2 बोला है बाइंडिंग एनर्जी, तो E2 विल बी ग्रेटर देन E1। अभी समझा सर? ये मास डिफेक्ट का कांसेप्ट से है ना? कौन सा वाला मास डिफेक्ट के कांसेप्ट? हाँ, क्योंकि वो माइनस मोलर मास होता है, तो फिर E2 का मास E1 से कम है, तो इसलिए माइनस कम होगा, तो मास डिफेक्ट ज्यादा तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा। ये लॉजिक भी हम लोग कर, ये केमिस्ट्री वाला लॉजिक बता रही है तुम्हें भी, करेक्ट? फिजिक्स वाला है, ठीक है। शीतल पक्का समझा तुझे क्वेश्चन? हाँ सर समझा अच्छी से। ओके, नए वाले सेशन में लॉगिन करो गाइस, कंटिन्यू करते हैं इसका सॉल्यूशन। अ रेडियो आइसोटोप एक्स विथ हाफ लाइफ 1.4×10⁹ इयर्स डीकेज ऑफ वाई विच इज स्टेबल। अ सैंपल ऑफ रॉक फ्रॉम अ केव वाज फाउंड टू कंटेन एक्स एंड वाई इन द रेशियो 1:7। सर आपने क्वेश्चन का ये आंसर दिए? नहीं, मैंने बोला सॉल्यूशन भेज दे, मैं आपको बता। सॉल्यूशन मतलब इधर है आपको। सॉल्यूशन में ये लोग ने ये वो क्यू इनटू एवोगैड्रो नंबर किए, वही बट क्यू वो नहीं बताया उन्होंने। हाँ वो नहीं, सिर्फ ऐसे करके ऐसे इतना ही किए, कुछ बताया नहीं उन लोग ने। क्योंकि ठीक है मैं देखता हूँ फिर से, पहले अभी दूसरा क्वेश्चन दे। A radioisotope X with half-life 1.4×10⁹ years decays to Y which is stable. A sample of rock from a cave was found to contain X by Y in the ratio 1:7. हमें age of the rock निकालना है, बराबर? तो अभी imagine करो, same concept था, जैसे पहले मेरे पास X था और दूसरा Y था। अभी X का initial quantity N0 था, तब Y का quantity 0 था। मान के चलो कि N0 का quantity small x से घट रहा है, तो y का क्वांटिटी कितने से बढ़ रहा है? x से। तो हम लोग कैसे हाफ हाफ करते थे, वैसा ही लॉजिक मैंने यहाँ पे लगाया। अभी इन इन दोनों का रेशियो x y का बचा हुआ रेशियो 1:7 दिया है, बराबर? दैट मींस यू कुड से nx अप॑न ny इज एक्चुअली 1/7। nx के जगह यू कुड राइट n0 माइनस x और y के जगह यू कुड राइट x इक्वल्स टू 1/7। लेट्स डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो वंस यू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू गेट 7n0 माइनस x इक्वल्स टू x। So 7n0 minus 7x equals to x. So ये 8x हो जाएगा. This will be 7n0. So by that particular logic, your x will be equals to 7/8 times n0. तो ये जो x है वो remaining nuclei है. Okay, तो y में इतने nuclei हमें मिल जाएंगे. तो अभी अभी आगे कैसे सॉल्व करना है मुझे? सॉरी, ये तो आपको x मतलब ये हो गया कि कितने nuclei कन्वर्ट हो रहे है ना, एक्स कन्वर्ट हो रहा है, तो बचे कितने एक्स में न्यूक्लियाई? सो वी नीड टू फाइंड आउट दैट। सो रिमेनिंग न्यूक्लियाई इन एक्स, आपने नीट के प्रीवियस ईयर के सॉल्व किए क्वेश्चन? इतने टफ आते हैं क्या रे इसमें रेडियो एक्टिविटी में? मैंने सारे नहीं सॉल्व किए इसीलिए पूछ रहा हूँ। नीट पास्ट ईयर है ये, तो दिस विल बी n0 माइनस x हो जाएगा। तो ये n0 माइनस x के जगह आपको क्या मिला? 7/8 n0 which is equals to 1/8 times n0। बट आपको पता है कि 1/8 times n0 can be written as 1/2³ times n0। ये आपका n मिल गया, number of nuclei। So you could see that n/n0 is actually 1/2 times 3। अगर आप इसको compare करोगे अपने general formula से तो small n 3 आ जाएगा। So that way you could tell that now small n will be t/t½। तो आपका small t will be पूछा है तो मैं वो इग्नोर कर रहा हूँ।
सर इसका पीछे का स्लाइड दिखाना ना। अबे अभी तो तूने दिखाया था तुझे पीछे का, तो फिर बोली आगे का बताओ। हाँ सर अभी ये वाला भी ले, मैं ली वो वाला। ठीक है अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। N atoms of radioactive element emit N alpha particles per second. The half life of the element is, बाप रे कितनी बार क्वेश्चन पूछा है देख। Half life हमें कैलकुलेट करना है। क्या बोला है? N atoms of radioactive element emits N alpha particles per second. Okay. तो remaining कितना हुआ? Remaining N minus N होना चाहिए by that logic. Let's try to solve this particular question. मेरे को लगा ही था, मैं बोल रहा था कुछ, मेरे को रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा था, तभी मैं बोला नेट का कुछ इश्यू होगा। अच्छा देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, एकदम इजी वे में मैं आपको बताता हूँ। आपको बोला है कि जो एलिमेंट है वो कितने अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, एन अल्फा पार्टिकल एमिट करना है कर रहा है, और एटम्स कितने उसके, कैपिटल एन एटम्स है। तो इनडायरेक्टली ना यू कुड से दैट स्मॉल एन इज इक्वल्स टू लैम्बडा टाइम्स एन। ओके तो ये एक फॉर्मूला होता है वेर एन इज नथिंग बट एमिटेड पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एमिटेड पार्टिकल्स, एंड कैपिटल एन इज नंबर ऑफ एटम्स। ओके अभी आपका ये जो फॉर्मूला होने के बाद आपको लैम्बडा का वैल्यू क्या मिलेगा, इट विल बी एन अपॉन कैपिटल एन। अगर समझो आपको हाफ लाइफ निकालना है तो टी हाफ इज एक्चुअली 0.693 अपॉन लैम्बडा। तो लैम्बडा क्या हो जाएगा, लैम्बडा हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ, करेक्ट। तो आपको लैम्बडा की जगह ये एन बाय एन पुट करना है, तो एन बाय एन विल बी 0.6। इतना सब करने से बेटर मैं इधर ही पुट ना कर दूं, ठीक है। तो लैम्बडा की जगह आप पुट कर दो स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, उल्टा हो जाएगा। सो 0.693 और 693 जो भी है, एन बाय स्मॉल एन इज योर फाइनल आंसर। डन। आपको फॉर्मूला ये अवेलेबल नहीं है, आपके बुक में तो नहीं था इसके लिए सर। पर लैम्बडा के फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम जाए तो लैम्बडा इज इक्वल टू वन अपॉन टी आई एन एन अपॉन एन, तो फिर उसके हिसाब से तो ये आएगा ना ln n upon n आएगा। जो दिया है क्वेश्चन में वो, वही तो हाफ लाइफ दिया है क्वेश्चन में। नहीं सर एक और ln इनटू न्यूमरेटर में ln है। हाँ ln इनटू हाफ लाइफ का फॉर्मूला कैपिटल n अपॉन स्मॉल n। वो क्या बोल रही है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला है वो? नहीं सर हाफ लाइफ का नहीं, वो फर्स्ट और सर इसमें टी 1 सेकंड दिया है ना, तो उस हिसाब से लैम्बडा का तो वैल्यू ये आएगा ln n / n। n एटम्स ऑफ रेडियोएक्टिव एमिट्स n अल्फा पार्टिकल्स पर सेकंड। अरे बट ये टी पर सेकेंड मतलब कैसा बोल रहा है वो, एक सेकेंड में
एन अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, और जो ये टी होता है ना वो डीके का टाइम होता है। मतलब अभी अभी इमेजिन कर, तेरे पास एक एलिमेंट था और वो एलिमेंट कन्वर्ट होके छोटू हो रहा है, बराबर, तो वो कितने टाइम स्पैन में हुआ, तो वो टी स्पैन में हुआ, तो ये स्मॉल टी टाइम स्पैन होता है। और जो तू सेकेंड बोल रही है वो सिर्फ अल्फा पार्टिकल कितने निकल रहे हैं पर सेकेंड वो बता रहा है, दैट मीन्स इस टी के जगह तू वन पुट नहीं कर सकती। डिफरेंस समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? सो इट्स लाइक वन सेकेंड में कितने अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, और दिस पर्टिकुलर टी इज नथिंग बट स्पैन। अगर ये स्पैन वैसा स्पैन है जिसमें आपका एलिमेंट एग्जैक्टली हाफ हो रहा है, तो दैट स्पैन देन बिकम हाफ लाइफ, गेटिंग इट? ये चीज समझ ले। तो मतलब स्मॉल टी ही हाफ लाइफ हो सकता है। सो इट इज एक्चुअली स्पैन, इंटरवल होता है वो, कितना इंटरवल में क्या हो रहा है। इट्स नॉट इंडिविजुअल सेकेंड जैसे इन्होंने बताया, ये जस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक सेकेंड में कितना हो रहा है। सो दिस मेथड इज एक्चुअली मोर लॉजिकल ओवर हियर। क्लियर? यस सर। ओके, लेट अस ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। 80 केजी ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल रिड्यूसेस टू 10 केजी इन 1 आवर। बोल। इसका आंसर ए है क्या ये वाले का? हां मैंने निकाला है, यही नहीं मैंने सी निकाला है, पता नहीं इसका क्या है आंसर है 62 का। सी है, सी है, सी है जो मैंने निकाला वही है रे। नेक्स्ट, 80 केजी ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल रिड्यूसेस टू 10 केजी इन 1 आवर, द डीके कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल इज देन व्हाट? तो 80 केजी का मटेरियल कितने में रिड्यूस कर रहा है? 10 केजी, और अपने को डीके कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। शैल वी यूज दैट ई रेज़ टू लैम्डा मेथड, dN by dt, बट रेट भी अपने को पता नहीं है, फिर वो m अपॉन m नॉट वाला यूज करके देखे, बट उससे भी नहीं आ जाएगा, पता है ये एक फॉर्मूला से छूटने वाला। मैंने जब भी फॉर्मूला बोला वो यूज कर सकता है ना? हाँ वी कुड यूज। कौन सा बता वो फिर से बता फॉर्मूला? लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/T। हम्म, न्यूमरेटर में ये ln इनटू n अपॉन n नॉट, नहीं n नॉट अपॉन n, ln के अंदर ही है ना वो पूरा। हाँ तो अपने पास n नॉट अपॉन m तो नहीं है, बट m नॉट अपॉन m है, सो इट्स लाइक दिस। मतलब लाइक आपका n के जगह ओरिजिनल मास डाल दो और m के जगह यहाँ पे ये, तो ये हो जाएगा m नॉट आपका दिया है 80 kg सब्सटेंस, और उसके बाद वो 10 kg में कन्वर्ट हो रहा है, साथ ही साथ आपका आवर दिया है टाइम ड्यूरेशन, करेक्ट? सो आवर मतलब 60 सेकेंड, तो ये 60 लिखा मैंने, तो ये हो जाएगा 28, और 8 हो जाता है 2 cube, 3 नीचे आ जाएगा, so it will be 3/60 into ln of 2, 3/60 will be 1/20, ln of 2 is 0.693, तो यहाँ से lambda मिल जाएगा तुझे। Next question, starting with sample of pure copper, 7/8 of it decays into zinc in 15 minutes. देखो अभी ये question बहुत easy है, straight forward है। कॉपर था 66 वाला, उसमें से 7/8 डीके हो रहा है, तो बचा कितना? सो रिमेनिंग अपने लिए मैटर करता है n, सो दैट विल बी n नॉट, मतलब 7/8 चला गया तो 1/8 बचा, बराबर, तो n इज 1/8 टाइम्स n नॉट। टाइम दिया आपको स्मॉल टी 15 मिनट और आपको हाफ लाइफ पूछ रहे हैं, यू नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, करेक्ट? यू हैव टू यूज द फॉर्मूला n अपॉन n नॉट इक्वल्स टू हाफ रेज टू एन, एन अपॉन एन नॉट हो गया आपका 1/8 इक्वल्स टू हाफ रेज टू एन का वैल्यू पता नहीं है, तो एन का वैल्यू सॉल्व करने के बाद 3 आएगा, एंड देन दैट विल बी एन इक्वल्स टू स्मॉल टी अपॉन टी हाफ, करेक्ट? सो टी हाफ कितना हो जाएगा यहाँ पे?
टी हाफ कितना हो जाएगा, टी हाफ अपने को निकालना है, सो दैट विल बी 15/3 5 मिनट्स। सर इससे पहले वाला जो सम था उसमें भी यही सेम लॉजिक नहीं यूज कर सकते थे? ये वाला मतलब उसमें m, हाँ उसमें m by m not equal to 1/2 की पावर n करके फिर n आ जाता तो फिर t की वैल्यू दी है तो t half मिल जाता, फिर t half equal to 0.693 by lambda डाल के lambda निकाल सकते। Definitely चल जाता ना यहाँ पे चल जाता वो सेम मेथड। बट ये कैसा पता है, ये डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला पढ़ा ना जो इसने राजवी ने बताया, डायरेक्ट लैम्ब्डा दे रहा था। और अभी ये अगर फॉर्मूला मैं यूज करता तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे दो मेथड दो फॉर्मूला यूज करना पड़ता, टाइम नहीं होता ना अपने पास, दैट इज व्हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, द एनर्जी लिबरेटेड ऑन द कंप्लीट फ्यूजन ऑफ 1 kg ऑफ यूरेनियम। आपका बोर्ड का एग्जाम क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है? What is the news? कुछ नहीं पता सर, लटका के रखा है। ना बोल दूं मैं, पास करने को बोल दूं आपको? हाँ सर बोल दो ना। तो एनर्जी रिलीज आपको पूछा गया है कि एक केजी यूरेनियम कितना एनर्जी रिलीज करता है, बराबर? तो आपको एनर्जी पर फिजन दिया है, दैट इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, पर फ्यूजन मतलब एक फ्यूजन प्रोसेस के लिए वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज करता है। तो 1 kg के लिए कितना रिलीज करेगा, तो एक फ्यूजन में कितना मास होता है, बट वो मेरे को याद करना पड़ेगा। सर 235 तो 1 kg ऑफ यूरेनियम 235 वो तो आइसोटोप दिया है रे तेरे को, सो यू कुड यूज m अपॉन m नॉट इक्वल्स टू n/Na। अभी मास आपको 1 kg दिया है, मोलार मास 235 दिया है, एन मेरे को पता नहीं है, एवोगैड्रो नंबर इज 6.023 इंटू 10^26। बट अगर समझो मैं 235 के जगह अगर एक फ्यूजन के लिए कैलकुलेट करने की कोशिश, रुको एक मिनट रुको मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अगर समझो एक फ्यूजन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रहा है और एक हाँ वो गलती से लिखा होगा मैंने, अरे हाँ फिर ये 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना अपने को, तो ये 10^3 हो जाएगा, इतना तो हो गया। अभी समझो कि अल्फा पार्टिकल में फिजन में एक पार्टिकल अगर इतना एनर्जी एमिट करता है एक रिएक्शन में, नहीं ये लॉजिक नहीं वर्क करेगा, I'm gonna use another logic. Chemistry use करे क्या? मेरे को problem क्या हो रहा है पता है? मुझे एक atom का energy पता है, but I want to find out कि total number of atoms कितने होंगे? So can anybody tell me how many number of atoms? तो मेरा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा, मतलब आई नो कि मेरा एक एटम 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज करता है, तो इफ आई वांट टू टॉक अबाउट टोटल 1 kg के सब्सटेंस में कितने एटम है, रिलीज कर रहा है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना बोल रही है
एक न्यूक्लियस रिलीज कर रहे हैं। हाँ एक न्यूक्लियस, सॉरी तो मैं लेट मी रिफ्रेज इट, 35 न्यूक्लियस होगा ना मास मास। सर 235 ग्राम 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज करता है, तो 1000 ग्राम का एक्स फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इतना इजी होगा नहीं रे। लेकिन वो तो एक न्यूक्लियस का दिया है ना, एक न्यूक्लियस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज कर रहा है। द एनर्जी लिबरेटेड ऑन कंप्लीट फिजन ऑफ 1 केजी ऑफ U35 एज इन फिजन ऑफ 1 न्यूक्लियस। हां एक न्यूक्लियस ये महान लड़की, रुक एक मिनट, ये मेरे को कंफ्यूज कर रही है। येड़ी लड़की U235 जो दिया जाता है वो एक न्यूक्लियस के अंदर का कंटेंट है, यूरेनियम 235। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया, मेरे को जस्ट ये कैलकुलेट करके दो यार, लाइक जस्ट आई वांट कि कितने ये होते हैं। जाने तो मैं खुद ट्राई करूंगा, मैं केमिस्ट्री करेगा अभी मैं मेरे को पता नहीं। चलो आई विल डू इट। अगर समझो मैं 1 मोल कंसिडर करूंगा तो 1 मोल के अंडर देयर आर 235 ग्राम्स, वो तो आपको पता ही होगा। तो अगर समझो मैं इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा तो कितने मोल जाएंगे, 1 kg। सो फॉर 1 kg एक्स नंबर ऑफ मोल जाएंगे, तो लेट्स डू क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 kg मतलब 1000 ग्राम, चल ठीक है। तो 1000 ग्राम के लिए कितने आएंगे, सो एक्स विल बी 1000 upon 235, आई डोंट नो व्हाट विल बी द वैल्यू, तो ये आंसर आ जाएगा। ओके अभी 1 मोल के अंदर, ये केमिस्ट्री कर रहा हूँ मैं, आई हेट केमिस्ट्री, द लास्ट टाइम आई डिड दिस पर्टिकुलर थिंग वॉज वेन आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड। 1 मोल इज 6.023 × 10⁻²। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, ओके तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल्स टू एक्स का जो वैल्यू आया वो टाइम्स 6.023 × 10⁻²। ये कब से पूछ रहा हूँ, मेरे को बताओ कितने एटम्स आएंगे, नहीं बता रहे। तो ये एटम, अभी समझो एक एटम रिलीज कर रहा है कितना, 200 × 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो अपने एटम्स आए, लेट्स से वाई, तो वाई कितना रिलीज कर रहे हैं वो अपने को निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो y z कितना वैल्यू होगा वो फाइंड आउट करना है। सो z विल बी 200 × 10⁻⁶ × y। तो ये आपको z का वैल्यू मिलेगा टोटल एनर्जी, बट ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू जूल एंड दैट इज व्हाई जो भी आंसर आएगा उसको कन्वर्ट करते हैं 1.6 × 10⁻⁹। वी गॉट फाइनल आंसर, समझा कैसे किया मैंने, क्या किया शीतल? हाँ सर समझा। और क्यों राजवी, तू सॉल्व कर रही थी, तुझे समझा मैं क्या बोल रहा हूँ ये? हाँ सर समझा। ये मेरे को ये केमिस्ट्री का याद नहीं आ रहा था यार, इसलिए तो मैं आपको बोल रहा था कि आप करो, एंड आई हेट इट। तो अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तू अपने आप कर सकती है, एनर्जी रिलीज इन फ्यूजन ऑफ 1 kg ऑफ ड्यूटेरियम, सेम मेथड के ऊपर बेस। देन नेक्स्ट जीरो पॉइंट वन परसेंट ऑफ ओरिजिनल मास ये बता देता हूँ तेरे को, फिर ये होने के बाद ना कि और के डाउट थोड़े सॉल्व कर। चलो तो यूरेनियम फिजन प्रोसेस के अंडर जा रहा है, 0.1% ऑफ इट्स टोटल मास इज चेंज इनटू एनर्जी, हाउ मच इज एनर्जी रिलीज्ड इफ 1 kg ऑफ यूरेनियम 235 अंडरगोस द फ्यूजन। ओके तो मास ऑफ यूरेनियम कितना चेंज हो रहा है, 0.1% ऑफ 1 kg, क्योंकि नीचे 1 kg दिया है, ओके दैट इज व्हाई आई नो।
So 0.1% मतलब 0.1 upon 100 into 1. So that will be 0.001 kg. Okay? अभी मुझे एनर्जी फाइंड आउट करना है कितना एसोसिएटेड है एम सी स्क्वायर यूज कर 0.001 इंटू सी 3 इंटू 8 का स्क्वायर सो यू विल गेट फाइनल आंसर 3 का स्क्वायर 9 8 10 रेस टू 16 इंटू ये 10 रेस टू माइनस 3 सो फाइनल आंसर इज 9 इंटू 10 रेस टू 13 समझा शीतल सर वो वाले में क्या जो आपने लास्ट टाइम बताया उससे करेंगे तो कैसे कौन से वाले फॉर्मूला सर अरे वो वाला सब डिफरेंट यहाँ पे तुझे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है ना कि मास किस में कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो आई कैन सिंपली यूज ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर एनर्जी मास इंटरचेंजेबिलिटी समझ रही है तो इसीलिए मेरे को ये पड़ रहा है वो उसमें अलग वे से सॉल्व करना पड़ा उससे ट्राई करके देख आता है कि नहीं मेरे को गारंटी नहीं है अच्छा आचल तूने जो भेजा है 10 1 upon 2 raise to 2.88 उसको सॉल्व करने के लिए तुझे एक तो लॉग लेना पड़ेगा लॉग लेंगे कैसे करेगा तू रेसिप्रोकल ले रेसिप्रोकल लेने के बाद वो 1/2 का 2 हो जाएगा उसके बाद लॉग ले तभी वो इजी हो जाएगा अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व इट मतलब लाइक कुछ ना कुछ कैलसी वगैरह लगेगा ये क्वेश्चन होने के बाद आई एम सॉरी मुझे कोलिजन के भी क्वेश्चंस करने थे बट टाइम नहीं मिला तो लेट अस कंटिन्यू विद द कोलिजंस का क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर तो आपके डाउट्स यहाँ पे रहने दो नो इश्यू विद दैट बाकी सबके डाउट्स कोलिजन से ही रिलेटेड है तो सर एक क्वेश्चन रेडियोएक्टिविटी का उसके ऊपर भेजा है ना वो वाला करवा दो ना ठीक है करते हैं सर मेरे ये बाकी के क्वेश्चंस ट्राई करते हैं अभी ये आंचल का होने के बाद जितने होते उतने करेंगे बाकी के लोग आप भी जरा एक फन एक्टिविटी के लिए इसने जो शीतल ने भेजे उसको टैग करो ना सॉल्व करो आप क्यों नहीं सॉल्व करते आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा कम से कम आप सॉल्व तो करो उनको अ 280 डे ओल्ड रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस शोज व्हाट आई कंक्लूडेड अबाउट रेडियोएक्टिविटी आफ्टर सीइंग दिस क्वेश्चंस नाउ एक्चुअली इससे पहले भी मुझे पता ही था कि रेडियोएक्टिविटी के क्वेश्चंस समझते नहीं दैट इज द मेजर इशू बट एक बार आपको क्वेश्चन समझा तो उसका सॉल्यूशन सिंपल होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस ठीक है अ 280 डे ओल्ड रेडियोएक्टिव सब्सटेंस शोज एन एक्टिविटी एक्टिविटी मतलब ए दिया है ए डीपीएस डीपीएस स्टैंड्स फॉर डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड 140 डेज लेटर इट्स एक्टिविटी बिकम्स 3000 डीपीएस ओके तो ये ए नॉट इनिशियल एक्टिविटी हुआ ए फाइनल एक्टिविटी है विच इज 3000 140 days later, so T is 140 days. What is initial activity? Rukik minute. A 280 day old radioactive substances shows an activity 6000 DPS. 140 days later, its activity so becomes 140 नहीं समझ गया मैं एक्चुअली ना उन्होंने ये नहीं किया क्या बोलते हैं हम लोग उसको आई हैव अ आइडिया एक आइडिया ट्राई करते हैं या लेट्स डू इट वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं लैम्ब्डा वाला जो राजू ने बताया लैम्डा 1/T ln of a not upon a जैसे कि बोला था ग्रेटर ऊपर आएगा ना तो ग्रेटर ऊपर आता है सो a not upon a is the formula अभी देखते अगर हम लोग पहला सिनारियो देखें तो पहले सिनारियो में क्या होता है ओरिजिनल एलिमेंट था कितना था दैट वी डोंट हैव आइडिया a not ये a not 280 डेज के बाद 280 डेज के बाद कन्वर्ट होता है ए में और ए का वैल्यू उन्होंने दिया है 6000 डीपीएस अभी मैं अपना लैम्ब्डा का फॉर्मूला कैसे लिखूंगा तो ये हो गया लैम्ब्डा 1/T के जगह 1/280 ln ऑफ ए नॉट एज इट इज अपॉन 6000 ये हो गया सेकेंड सिनारियो फिर बोल रहे हैं कि और 140 डेज के बाद मतलब ए नॉट जो था वो टोटल कितने डेज के बाद देख रहे हो अभी आप 280 प्लस 140
सो अगर आप इतने डेज के बाद देखोगे तो उसका डीपीएस चेंज होके हो जाता है 3000. नाउ योर लैम्डा विल बी 1/T ln of t0 upon a. Now see what is going to happen. Lambda will be 1 upon 280 plus 140 0 at 12. Sir. Cool. Sir, ये 140 days half life हुआ ना तो सीधा lambda उससे निकाल के किसी एक में substitute कर देता. 280 का नहीं. तेरे को कैसे पता चला material half हो रहा है? वो तो just तेरे time. Initial value नहीं दिया है. 1000. नहीं sir, लेकिन बोल बोल 140 डेज के बाद मतलब पहले 6000 था फिर 140 डेज के बाद 3000 हो रहा है तो हाफ हुआ ना तो इसलिए 140 डेज हाफ लाइफ. लेकिन हमें इनिशियल नहीं पता है ना अभी बाय चांस समझ इनिशियल 9000 है तो 9000 से तो हाफ नहीं हो रहा है तो हम लोग ये बोल नहीं सकते कि टी आप हम लोग को ये दिया है 140 280 12. आई गॉट इट राजवी, यू आर करेक्ट. मतलब वो नहीं, वो शॉर्टकट बता रही है मेरे को. लॉजिकल बेस मैं पहले लॉन्ग कट बताता हूँ देन उसका शॉर्टकट एक्सप्लेन करता हूँ. आई गॉट इट, गुड आइडिया. तो ये लैम्बडा 1/420 हो रहा है. फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे ln और अभी देखो आपका a0 ही है अपॉन ये क्या है 3000 बट dk कांस्टेंट मटेरियल का सेम रहेगा. दैट मीन्स यू कैन इक्वेट 1 and 2. अगर आप 1 and 2 को इक्वेट करोगे देन आप इनको सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद आपको a0 का आंसर मिल जाएगा. समझ रहे हो, इक्वेट करना है और सॉल्व करना है. और अगर सॉल्विंग में आपको डिफिकल्टी आ रही है तो आपको बता दूं, इन ऑर्डर टू रिमूव दिस पर्टिकुलर ln दोनों साइड पे आपको या तो एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा. नहीं बट अगर दोनों साइड पे ln है ना, देखो ट्राई करते कुछ तो करते हैं, डोंट वरी. सो 420 ln a0 अपॉन 3000. ओके अभी देखो क्या करेंगे. सो विल बी 28 14 20 3 बराबर. ओके तो अभी आप देखो व्हाट आई कैन डू इज दैट मैं ना ये जो 1/2 है 1/2 वो साइड 2 बनेगा, ये 3 ए साइड आएगा. मतलब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ जानबूझ के. आई विल शो यू व्हाई. सो ये 3 ए साइड लिया तो यहाँ पे हो गया ln a0 अपॉन 6000 और 2 वो साइड भेजा 1/2 वाला तो ln a0 अपॉन 3000. अभी ln ऊपर चला जाएगा, सॉरी 3 ऊपर चला जाएगा. सो a0 6000 का क्यूब इक्वल्स टू ln a0 अपॉन 3000 का स्क्वायर. ln कैंसिल एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर. अभी तो सॉल्विंग आप कर सकते हो. अभी उसने क्या बोला, राजवी ने जो बताया वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसका वे. स्क्रीनशॉट लिया शीतल इफ यू वांट. सर नेक्स्ट वाला पेज. ओके तो अभी 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 आपको मैं लॉजिक बताता हूँ इसके पीछे का. व्हाट शी मींस टू से, वो बोल रही है कि आप ना सर थोड़ी देर पहले लेफ्ट साइड वाला सिनारियो देखो ही मत. व्हाई डोंट वी सी ये सिनारियो कि जब ये 6000 था तो वो 6000 के बाद 140 डेज के बाद वो 3000 हो रहा है. मतलब 6000 का 3000 होने के लिए उसने 140 डेज लिया. By that logic, half life होना चाहिए 140. मैं सिर्फ days की तरफ नहीं देख रहा हूँ, मैं amount भी देख रहा हूँ. Amount half हो रहा है exactly, क्योंकि वो 6000 का 3000 हुआ. फिर by that logic जाओगे तो आपका initial substance कितना है मुझे पता नहीं, but मुझे इतना तो पता है कि ये initial substance का final substance हो रहा है ये 3000 हो रहा है. 3000 से लेके 6000 अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग 140 days cover करते हैं. उसके पहले 280 डेज है, 280 डेज को भी 140 में डिवाइड कर दो. कर दिया, क्योंकि 14 28 होता है. अभी देखो तो 3000 का 6000, 6000 का डबल 12000 और 12000 का डबल आएगा 24000. सो विदाउट इवन यूजिंग एनी फॉर्मूला वी गॉट द फाइनल आंसर. समझा मेथड ये. अगर समझ हाफ लाइफ 6 इयर्स है तो वो 6 ईयर मतलब 8. अगर समझ तेरा सब्सटेंस तूने 30 केजी पे स्टार्ट किया तो 30 केजी टू 15 केजी जाने के लिए उसको समझ अगर 2 इयर्स लग रहे हैं
तो 15 टू 7.5 जाने के लिए भी उसको 2 इयर्स लगेंगे, 7.5 से और जाने के लिए भी उसको 2 इयर्स लगेंगे. गेटिंग माय पॉइंट? हां सर. हां तो दैट्स व्हाट आई, तो ये यही लॉजिक यूज करके वी सॉल्व दिस इक्वेशन. अभी जो बचे वाले इक्वेशंस है आप टैग करो, जिनके भी रेडियो एक्टिविटी के कोलिजन के नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर. बाय बाय, टेक केयर. अगर आपके वो क्वेश्चंस नहीं हो तो आप भेज देना. चलेगा, फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में बता दो. चलेगा, बाय बाय.